जी अस्सलाम वालेकुम जी। मौसम भाई वो बंद करें बता भैया। सब लोगों को आवाज आ रही है? जी हम लोग अपना पोर्शन ये शुरू करने लगे हैं मेरे बहन भाइयों, हिस्ट्री वाला। ठीक है, अब प्लीज सबसे पहले हम मैं हिस्ट्री के बारे में आप लोगों का थोड़ा कोर्स इंट्रोडक्शन बता दूं। बुनियादी तौर पे आप लोगों का हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जिसे आप कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वॉर्स, वो वाला पोर्शन, इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वॉर्स का पोर्शन बुनियादी तौर पे वर्ल्ड वॉर वन से बाद से लेके वर्ल्ड वॉर टू के एंड तक है। फिर हमारा दूसरा चैप्टर यानी दूसरा सेक्शन है कोल्ड वॉर, और तीसरा सेक्शन के अंदर पोस्ट कोल्ड वॉर के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखना है। पोस्ट कोल्ड वॉर के हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखना है। तो बुनियादी तौर पर आप लोगों का हिस्ट्री वाला पोर्शन तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन टू वॉर्स, कोल्ड वॉर, ठीक है, कोल्ड वॉर और पोस्ट कोल्ड वॉर, ये आपके तीन फेज हैं। जनरली इस एरिया से आप लोगों के तीन सवाल आते हैं। ठीक है, जनरली कंपलसरी नहीं है लेकिन जनरली इस एरिया से तीन सवाल आते हैं। 2020 के अंदर इस एरिया से कोई भी सवाल नहीं आया था। इनफैक्ट 2020 के अंदर पूरे आईआर के पार्ट टू में से भी कोई सवाल नहीं आया था, और मैंने लोगों को पहले ही कह दिया था कि पेपर पूरे का पूरा आउट ऑफ कोर्स आया है लेकिन पेपर टू में नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पेपर टू में हर एरे गेरे नथु खेरे के नंबर, ठीक है, 60s के अंदर फॉल कर रहे हैं या 50 से ऊपर फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये पूरे का पूरा सिनेरियो है। अब मेरे बहनों भाई, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये चीज है कि हम लोग पहले एरिया का सिलेबस देख लेते हैं। हमारे पास पहले एरिया के सिलेबस में है रशियन रेवोल्यूशन, फासिज्म, लीग ऑफ नेशन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, हमारे पास पहले पोर्शन के अंदर एरिया क्या है? रशियन रेवोल्यूशन, फासिज्म, लीग ऑफ नेशन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, एक टॉपिक है जो कोर्स में नहीं दिया गया जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप लोगों ने करना है, मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ऑल्दो स्लाइड्स प्रिपेयर्ड है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि ये सिलेबस में शामिल नहीं है। लेकिन आपने क्यों करना है? क्योंकि अगर आप लोगों का वर्ल्ड वॉर वन क्लियर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपको वर्ल्ड वॉर वन के बाद के इवेंट्स के साथ कॉन्टिन्यूटी एस्टेब्लिश नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि बुक के अंदर वर्ल्ड वॉर वन दिया हुआ है, आप उस वर्ल्ड वॉर वन के टॉपिक्स को देख लें और आपने उस वर्ल्ड वॉर वन के टॉपिक को अपने तौर के ऊपर पूरे का पूरा कवर कर लें। ठीक हो गया? तो मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों के पास तीन बुनियादी तौर पे चार टॉपिक्स हैं, रशियन रेवोल्यूशन, फासिज्म, लीग ऑफ नेशन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब फासिज्म दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक फासिज्म इन जर्मनी और एक फासिज्म इन इटली। ठीक है, फासिज्म इन जर्मनी को कहते हैं नाजीज्म। तो बुनियादी तौर पे हमने तीन टोटलिटेरियन रिजीम्स को करना है, रशियन रेवोल्यूशन के बाद कम्युनिज्म, फासिज्म, नाजीज्म और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये हमारा पूरे का पूरा डोमेन होगा। ठीक है, आगे चलने से पहले सुल्तान, जो इंपॉर्टेंट बात है उस बात को जरा समझ लो। थ्योरेटिकल कंपोनेंट में तुम लोगों को पूरे का पूरा करवा चुका हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे फोकस ये रहेगा कि मैं तुम लोगों को इश्यूज की ट्रैकिंग करवा दूं। ठीक है, अब ये जितना भी एरिया है ये आप लोगों को मिलेगा मेरी आईआर की पार्ट टू की बुक में। ठीक है, अब सुल्तान जो सिग्निफिकेंट चीज है वो ये सिग्निफिकेंट चीज ये है कि आईआर की पार्ट टू की बुक में, ठीक है, जनरली थ्रू आउट द बुक, लेकिन इन पर्टिकुलरली, ठीक है, पहले तीन चैप्टर्स में हर इवेंट, हर टॉपिक के आखिर में तुम लोगों को एक टेबल मिलेगा। ठीक है, वो होगा समराइज्ड वर्जन ऑफ द होल इशू, होल इवेंट का समराइज्ड वर्जन। ठीक है, तो मैंने उस समराइज्ड वर्जन के अंदर सारी की सारी बातों को एक टेबलर वे के अंदर पिच कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों ने पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है,
लेकिन आपने रवियन के लिए जो चीज सिग्निफिकेंटली इस्तेमाल करनी है, रवियन के लिए जो चीज सिग्निफिकेंटली इस्तेमाल करनी है, वो इस्तेमाल करनी है हर टॉपिक के आखिर में जो मैंने एक छोटा सा टेबल दिया होगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये कि पहले तीन चैप्टर्स के अंदर हर टॉपिक के आखिर में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है एक टेबल जिसके अंदर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को मैंने समराइज किया है। एक टेबल है तो एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। जी सॉरी मेरे बहनों भाइयों, ठीक है। तो मेरे बहनों भाइयों अगर ये देखो मैं आपको दिखाना इस तरीके से चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये नजर आ रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है, ये हर टॉपिक के आखिर में आप लोगों को ऐसा एक टेबल मिलेगा समराइज स्केच ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। तो एक टेबुलर डेटा के अंदर, एक पूरे का पूरा टेबुलर डेटा के अंदर आप लोगों को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन का चंक मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही, ठीक है, उस टॉपिक के आखिर में एक आपको एरिया मिल जाएगा एप्लीकेशन ऑफ आईआर थ्योरी, ठीक है। तो ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ आईआर थ्योरी के अंदर थ्योरी का नाम, उसका सब कंपोनेंट, अलाइक कॉन्सेप्ट, और ये उस इवेंट के किस चीज के ऊपर आप इफेक्टिवली लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब जब बुक से पढ़ोगे तो आपको हर एरिया का समराइज स्केच, और उसके बाद समराइज स्केच के बाद अगली चीज आप लोगों का उस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी मिल जाएगी। तो आपने इस पूरी की पूरी अप्रोच के साथ अपने इस एरिया की तैयारी करनी है। मैं जितनी थ्योरी जान लगा के मार सकता था मेरे अंदर उतनी जान थी, मैंने लगा दी। अब इस एरिया के अंदर हमारा मेन फोकस ये होगा कि हम अपने पूरे के पूरे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को क्लियर कर दें, ठीक है। आई होप सो यहां तक सारे लोगों को बात क्लियर होगी। अगर यहां तक बात समझ आ गई तो मुझे ओके कॉल दीजिए, ठीक है। अब जो अगली बात है ना, ठीक है शिजा बेटा, जो अगली बात है, अगली बात यह है मिसबा कि आपने, ठीक है, इसमें कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। छोड़ना क्यों नहीं है उसको, उसकी मेरी बात जरा समझिएगा मिसबा। ये हिस्ट्री का पूरा एरिया आपने कॉज एंड अफेक्ट पैटर्न पे करने की कोशिश करनी है। किस पैटर्न पे करने की कोशिश करनी है? कॉज एंड अफेक्ट पैटर्न पे। यानी वर्ल्ड वॉर वन से पहले जो कुछ हुआ वो वर्ल्ड वॉर वन की काजिश थी, फिर वर्ल्ड वॉर वन हो गई और वर्ल्ड वॉर वन के नतीजे में जो कुछ हुआ वो वर्ल्ड वॉर टू के अफेक्ट्स, वर्ल्ड वॉर वन के अफेक्ट्स थे। जो वर्ल्ड वॉर वन के अफेक्ट्स थे वो बुनियादी तौर पे कॉजेज बनी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू की, और वर्ल्ड वॉर टू के जो इफेक्ट्स थे वो कॉजेस बनी कोल्ड वॉर की, और जो कोल्ड वॉर के इफेक्ट्स थे वो कॉजेस बने पोस्ट कोल्ड वॉर की, और जो पोस्ट कोल्ड वॉर के इफेक्ट थे वो कॉजेस बन रहे हैं राइजिंग मल्टीपोलैरिटी, ठीक हो गया। तो सारे टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक टॉपिक, ठीक है, एक इवेंट के इफेक्ट्स अगले इवेंट के कॉज के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप बिट्स एंड पीसेस की बुनियाद पे ये पूरा एरिया करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूम स्पेक्ट्रम की बुनियाद पे आपकी पूरी की पूरी कहानी कवर नहीं होगी, ठीक है। दो बातें होंगी। तीसरी बात इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई जिन लोगों ने यूएसए हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री रखी हुई है
उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है, उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि तकरीबन 2 से 3 सवाल हर साल यूएसए हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री में वो आते हैं जो डायरेक्टली इन एरियाज के अंदर हम लोगों ने पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर आप इधर तैयारी कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के यूएसए हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री के 2 से 3 सवाल आपके सिग्निफिकेंटली क्लियर होने के चांसेस हैं, चाहे वो यूएसए हिस्ट्री हो चाहे वो यूरोपियन हिस्ट्री हो। तो आप लोगों को ये हिस्ट्री वाला पोर्शन उस जगह के ऊपर भी मदद करेगा। ठीक हो गया, तो इस चीज को सामने रखते हुए हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने लगे हैं, और वो पहला चैप्टर है आप लोगों का निजा बेटा, इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वॉर्स। इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वॉर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वॉर्स का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वॉर्स का क्या मतलब है कि वर्ल्ड वॉर वन से लेके, वर्ल्ड वॉर वन के बाद से लेके वर्ल्ड वॉर टू तक, वर्ल्ड वॉर वन से लेके बाद से लेके वर्ल्ड वॉर टू तक, ठीक है जी, पेपर टू का, वर्ल्ड वॉर वन से लेके वर्ल्ड वॉर टू के अंत से लेके वर्ल्ड वॉर टू तक दुनिया के अंदर क्या हुआ, ये उसका मेन सिलेबस है। ठीक है, अब शीजा बेटा आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, तूने एक लफ्ज अपने जहन में, ठीक है, जहन नशीन कर लेना है, वो है मेन। एक लफ्ज अपने जहन में जहन नशीन कर लेना है, वो है मेन। यानी हिस्ट्री का कोई भी सवाल आएगा तो तूने इस मेन लफ्ज को अपने पल्ले बांध लेना है, मेन 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 मेन। ठीक है, बड़ा सा अपने पेपर के आगे लिख ले मेन, यानी हिस्ट्री का कोई भी सवाल आएगा तो तूने मेन का फ्रेमवर्क अपने जिन में रखना है। सो मेरा बेटा ये कैसे रखना, मेन में एम स्टैंड फॉर मिलिट्रिज्म, एम स्टैंड फॉर मिलिट्रिज्म, ए स्टैंड फॉर अलायंसेस, आई स्टैंड फॉर इंटरनल डिससेटिस्फेक्शन, एंड एन स्टैंड्स फॉर नेशनलिज्म। मेन में एम स्टैंड्स फॉर मिलिट्रिज्म, ए स्टैंड फॉर अलायंसेस, आई स्टैंड फॉर इंटरनल डिससेटिस्फेक्शन और इंटरनल डिसेंट, और एन स्टैंड फॉर नेशनलिज्म। अब जहां पे भी शीजा बेटा मिलिट्रिज्म की बात होगी तो थ्योरी आ जाएगी नियो रियलिज्म, डन हो गया। जहां पे भी अलायंसेस की बात होगी वहां पे थ्योरी आ जाएगी बैलेंस ऑफ पावर, जहां पे भी इंटरनल डिससेटिस्फेक्शन की बात होगी वहां पे थ्योरी आ जाएगी कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक हो गया, या फेलियर ऑफ नियो लिबरलिज्म, और जहां पे भी नेशनलिज्म की बात होगी वहां पे आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म या पॉलिटिकल नेशनलिज्म के दो नैरेटिव आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इस मेन लव से तुम्हें मेजर एरियाज मिल जाएंगे कि आपने किस एरिया के ऊपर कौन कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है। तो मेन को जेन में याद रखना है, इंशाल्लाह ताला फाका होगा। यहां तक बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है? ठीक है, तो इस मेन लफ्ज को कभी नहीं छोड़ना। ये मेन लफ्ज तुम्हें एक कम से कम स्ट्रक्चर्ड पूरी की पूरी, एक स्ट्रक्चर्ड पूरी की पूरी पॉलिसी दे देगा कि किस तरीके से तुम लोगों ने अपनी पूरी की पूरी बात को इंटरप्रेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, रियलिज्म कैन बी क्लासिकल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म। अगर वो कोई इंडिविजुअल लीडर का कंडक्ट है तो क्लासिकल रियलिज्म, और अगर वो ओवरऑल स्टेट लेवल पे एनार्किक एनवायरनमेंट है तो न्यू रियलिज्म। किसी को भी, ठीक हो गया, किसी को भी, ठीक है, आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं अगर वो सोसाइटी लेवल पे हो। फिर ठीक है, साथ जो दूसरी चीज है, ये मेन का फ्रेमवर्क तो हो गया, फिर तुमने वो 17 कॉजेज ऑफ वॉर याद रखनी है। लीडर खराब, अवाम खराब, दिमाग खराब, लीडर खराब, अवाम खराब, दिमाग खराब, थ्यूसिडाइड स्ट्रैप, पावर ट्रांजिशन थ्योरी, आइडेंटिटीज्म, ठीक है, 17 कॉजेस तुम लोगों को याद है। तो वो 17 कॉजेस और ये मेन का फ्रेमवर्क तुम याद रखोगे और चीजों को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर प्लग इन करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर टू के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो तुमने वर्ल्ड वॉर टू के पहले इवेंट्स के ऊपर एक छोटा सा ब्रीफ या एक स्केच बना के तुम लोगों ने फिर वर्ल्ड वॉर टू को एनालाइज करने की कोशिश करनी है। यहां तक आई होप सो तुम सब लोगों को बात क्लियर हो, यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चों? जी। अब मिस्टर बेटा जो आखिरी बात है वो आखिरी बात ये है कि ये आईआर का पेपर होगा, ये हिस्ट्री का पेपर नहीं होगा। ये किस चीज का पेपर होगा शीजा बेटा? ये आईआर का पेपर होगा, ये हिस्ट्री का पेपर नहीं होगा। ठीक हो गया, तो जब ये हिस्ट्री का पेपर नहीं है तो ऑटोमेटिकली तुम लोगों ने, ठीक है, हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करना। एक मेजर रीजन आईआर के अंदर नंबर कम आने की क्या होगी कि आप ज्यादा हिस्ट्री के ऊपर रिलाई करो और थ्योरी के साथ एनालिसिस बिल्ड ना करो।
ठीक हो गया। तो तुम लोगों ने ज्यादा एनालिसिस बेस्ड अप्रोच रखनी है, ज्यादा थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन करनी है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री नहीं करनी। तो तुम्हारी अप्रोच दो तरह की हो सकती है, या तो इनिशियली तुम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री एक्सप्लेन कर दो पूरे के पूरे इवेंट का, एक ब्रीफ स्केच दे दो और उसके बाद इवेंट टू इवेंट हिस्ट्री को एनालाइज करना शुरू कर दो, या तुम शुरू से ही क्वेश्चन के अंदर थ्योरेटिकल एनालिसिस करना शुरू कर दो लेकिन हर पैराग्राफ को तीन हिस्सों में डिवाइडेड कर दो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव और इमेज, और वो पैराग्राफ किस तरह लिखना है वो मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ फाटा टेक और सीई मॉडल के अंदर, ठीक है। तो तुम लोगों ने हिस्ट्री के ऊपर कम रिलाई करना है और इंटरप्रिटेशन के ऊपर तुम लोगों ने ज्यादा रिलाई करना है। वर्ल्ड वॉर वन मैं तुम लोगों को नहीं करवा रहा लेकिन तुम लोगों ने वर्ल्ड वॉर वन बुक से करनी ही करनी है, और वर्ल्ड वॉर वन का रेफरेंस है पार्ट टू चैप्टर वन पेज 1-14, पार्ट टू चैप्टर वन पेज 1-14। अच्छा डन हो गया यहाँ तक, पूरा फ्रेमवर्क समझ आ गया हिस्ट्री का। अब वर्ल्ड वॉर वन में तुम लोगों को नहीं करवा रहा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन तुम लोगों ने बुक से करनी है। मैं क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन ये सिलेबस में है। अच्छा जी, अब मेरे बहनों भाइयों हम शुरू करने लगे हैं रशियन रेवोल्यूशन से। शिजा बेटा रेफरेंस नोट करिए, पार्ट टू चैप्टर वन पेज 15-23 प्लस 25-29, ठीक है, पेज 15-23 प्लस 25-29, रेफरेंस नोट कर लिया। अब आप रशियन रेवोल्यूशन को, अब रशियन रेवोल्यूशन को बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, आप रशियन रेवोल्यूशन को बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, और आप इसे अक्टूबर 1917 रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो अगर रशियन रेवोल्यूशन आ जाए या बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ जाए या अक्टूबर रेवोल्यूशन आ जाए, तीनों का मतलब सेम है, तीनों के मतलब में सरे से कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक, अक्टूबर 1917। अब मेरे बहनों भाइयों आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन से पहले रशिया का बैकग्राउंड क्या था, रशियन रेवोल्यूशन से पहले रशिया का बैकग्राउंड क्या था। तो मेरे बहनों भाइयों रशिया जो है वो एक ऑटोक्रेसी थी, रशिया कौन क्या थी, रशिया एक ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी क्या होता है, रूल ऑफ नोबल्स, यानी शीजा बेटा कोई एक रॉयल फैमिली, कोई एक नोबल फैमिली, ठीक है, इक्तदार को एंजॉय करती है, बादशाहत होती है, ऑटोक्रेसी होती है, एक फैमिली के पास इक्तदार होता है, एक मुगल बादशाह मरता है तो दूसरा मुगल बादशाह आ जाता है, ठीक हो गया। तो रशिया के अंदर बुनियादी तौर पे, ठीक है, एक ऑटोक्रेसी थी, ठीक है, और एक ही फैमिली के लोग रशिया को तीन दिहाइयों से रूल कर रहे थे। अब जो आखिरी ऑटोक्रेट रिजीम आई वो थी रोमानोव डायनेस्टी, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर तुमने पढ़ा होगा ना, लोधी जाए, ठीक है, सैयद जाए, गुलामान आए, ठीक हो गया, मुगल जाए, तो जो रशिया के आखिरी थे, यानी रशिया के जो मुगल थे, जो रशिया की आखिरी ऑटोक्रेट फैमिली थी वो थी रोमानोव डायनेस्टी, ठीक है। अच्छा, जो रशिया का बादशाह होता था उसे कहते थे जार, रशिया का जो बादशाह होता था उसे कहते थे जार, बास बुक में से TSAR लिखा जाता है, बास बुक में से CZAR लिखा जाता है, ठीक हो गया। तो जो आखिरी रशियन रोमानोव डायनेस्टी का जार, ठीक है, इक्तदार में आया, वो इक्तदार में आया 1894 में, वो कब इक्तदार में आया 1894 में, ठीक है, उस जार का नाम था निकोलस टू, उस जार का नाम क्या था, निकोलस टू, जो आखिरी ऑटोक्रेट रोमानोव डायनेस्टी के अंदर इक्तदार में आया वो 1894 में आया, जिसे जार कहते थे, ठीक है। अब जार बुनियादी तौर पे एक ऑर्थोडॉक्स था, जार बुनियादी तौर पे एक कंजर्वेटिव था, जार बुनियादी तौर पे एक कन्वेंशनल माइंडसेट का आदमी था, ठीक हो गया। चुनाचे वो किसी भी तरीके से रशिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं था, वो स्टेटस को मेंटेन रखना चाहता था,
ठीक है, वो रशिया को ट्रेडिशनल फ्यूडल सिस्टम के जरिए ही गवर्न करना चाहता था, और नंबर दो ये कि उसकी किसी भी किस्म की कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, उसे किसी भी किस्म का कोई मिलिट्री ठीक है वॉरफेयर का नॉलेज नहीं था, लेकिन उसने ठीक है अपनी टोटलिटेरियन सोच की बुनियाद पे उसने अपने आप को रशियन आर्मी का कमांडर इन चीफ भी अपॉइंट कर लिया। जनरली जार निकोलस टू से पहले क्या होता था कि जो आर्मी चीफ होता था, कमांडर इन चीफ होता था, वो बुनियादी तौर पे जार खुद नहीं होता था, या तो रॉयल फैमिली के अंदर से कोई दूसरा आदमी होता था, या कोई मिलिट्री एक्सपर्ट होता था, कोई फौजी जनरल होता था। लेकिन इसने मिलिट्री के कमांडर इन चीफ का, मियां नवाज शरीफ साहब ने ठीक है वजारत खारजा का चार्ज भी अपने पास रखा। ठीक हो गया, तो पहली चीज रामानूप डायनेस्टी है, ऑटोक्रेसी है, निकोलस टू है, ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव है, रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है, उसने अपने आप को कमांडर इन चीफ भी खुद अपॉइंट कर लिया। मेरे बहनों भाई, जो दूसरा सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट है बैकग्राउंड का, वो सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट ये है कि दूसरा सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट है वो ये है कि भाई पूरे की पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्री बड़ी स्पीडली डेवलप हो रही थी, पूरी की पूरी दुनिया में इंडस्ट्री बहुत स्पीडली डेवलप हो रही थी, लेकिन ज़ार निकोलस टू के कंजर्वेटिव एग्रेरियन फ्यूडल माइंडसेट की वजह से उसने किसी भी तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो बाकी यूरोपियन पावर्स, बाकी अमेरिका इंडस्ट्री में बड़े आगे निकल गए, जबकि रशिया इंडस्ट्री में पीछे रह गया, और रशिया एग्रीकल्चर इकोनॉमी तक ही महदूद रहा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के तक ही मौजूद रहा। अब उस टाइम जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो ज्यादातर मिलिट्री इंडस्ट्री के अंदर प्रिवेल करती थी। किस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में प्रिवेल करती थी? मिलिट्री इंडस्ट्री में प्रिवेल करती थी, यानी अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे के सारे बड़े बड़े मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़े कर रहे थे जहां पे डिफेंस प्रोडक्शन होती थी। तो जब इसने अपने मुल्क के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की, तो ऑटोमेटिकली इसके मुल्क के पास जो असला था, जो इसके मुल्क के पास वेपन्स थे, वो उस वक्त की वॉर को लड़ने के काबिल नहीं थे। ठीक है, चुनाचे इंडस्ट्रियलाइजेशन ना करने की वजह से इन जनरल, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ना करने की वजह से इन पर्टिकुलर मिलिट्री डोमेन में उसके पास इस तरह की वेपनरी नहीं थी या ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जो वॉर में उसे सपोर्ट कर सके। तो रशिया इंडस्ट्री में पीछे रहने की वजह से उसकी मिलिट्री नीच भी, उसकी डिफेंस रिक्वायरमेंट भी ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज थी। यहां तक आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को बात समझ आ गई। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये फैक्टर है कि कार्ल मार्क्स एक फिनोमिनल फिगर गुजरा यूरेशिया के अंदर। ठीक है, कार्ल मार्क्स यूरेशिया के अंदर, ठीक है, यूरेशियन, ठीक है, EURASIAN, यूरेशियन कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है, कार्ल मार्क्स एक बड़ा ही इंफ्लुएंशियल फिगर गुजरा, यानी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज बड़ी ही इंफ्लुएंशियल फिगर गुजरी। तो हुआ क्या कि कार्ल मार्क्स ने कई लोगों के दिमाग में इंडॉक्ट्रिनेशन कर दी रिफॉर्म्स की। ठीक हो गया, इंडॉक्ट्रिनेशन कर दी रिफॉर्म्स की। ठीक है, तो मेरे बहनों भाइयों, हर मुल्क के अंदर एक इंटेलिजेंसिया खड़ा हो रहा था जो कह रहा था सोसाइटल रिफॉर्म्स करें, लैंड रिफॉर्म्स करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करें। तो हर साइड पे दो तरह के, हर मुल्क के अंदर दो तरह के रिफॉर्मिस्ट थे। कुछ वो चाहते थे जो कहते थे कि सोशलिस्ट यानी मार्क्सिस्ट मॉडल की बुनियाद पर उनका मुल्क चलना चाहिए, जबकि बास लोग चाहते थे कि कैपिटलिस्ट मॉडल के ऊपर उनका मुल्क बनना चाहिए। ठीक है, कैपिटलिस्ट मॉडल की बुनियाद पर उनका मुल्क चलना चाहिए। ठीक है, आई होप सो यहां तक मेरे बहनों भाइयों को क्लियर हो गया। बाकी मुल्कों की तरह सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की लड़ाई, ठीक है, सोवियत रशिया के अंदर भी आ गई, तो रशिया के अंदर इंटेलिजेंसिया दो साइड पे डिवाइड हो गई। इंटेलिजेंसिया में बाज मॉडरेट फोर्सेस थी जो कैपिटलिज्म ही चाहती थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहती थी, जो ग्रोथ चाहती थी, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी चाहती थी, जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म चाहती थी, जबकि दूसरी साइड पे, ठीक है, जो कॉमरेड्स ऑफ कार्ल मार्क्स थे, ठीक है, वो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस के तौर पे मर्ज किए, और वो चाहते थे कि नहीं जी नहीं, ये फ्यूडल स्ट्रक्चर खत्म हो, ये कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर खत्म हो, लैंड रिफॉर्म्स आए, सोशलिस्ट रिफॉर्म्स आए, और ऑटोमेटिकली गरीब को रोटी कपड़ा और मकान मिले। तो ऑटोमेटिकली ये डिबेट
ठीक है, रशिया के अंदर भी शुरू हो चुकी थी, और इस डिबेट की वजह से, रशिया की इस डिबेट के अंदर वजह से, इंटेलिजेंसिया की डिबेट की वजह से रशियन सोशल फैब्रिक भी दो एक्सट्रीम्स में डिवाइड हो रहा था, लेकिन जार इस सेंसिटिविटी को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। तो आई होप सो आप लोगों को बैकग्राउंड की ये तीन चीजें समझ आ गई कि रशियन इंडस्ट्री कैसे डिक्लाइन पे थी, कैसे रिफॉर्म्स का अलाउ आहिस्ता आहिस्ता जल रहा था, और कैसे जार निकोलस टू का ऑर्थोडॉक्स आउटलुक, ठीक है, चेंजिंग एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड ना करने के काबिल था। आई होप सो मेरे बच्चों को यहां तक कहानी समझ आ गई। अगर यहां तक कहानी क्लियर हो गई है तो मुझे ओके कॉल दे। सो मेरा बेटा, अगर तू जजमेंट्स ना करे और मेरे साथ साथ चले तो तेरी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी, मेरी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी, ठीक है। मैनेजमेंट साइंसेस में एक जुमला बोला जाता है, टू ईगर टू जंप टू द कंक्लूजंस, ठीक है। मेरे साथ चलेगी सुमेरा तो तेरी जिंदगी भी आसान होगी, मेरी जिंदगी भी आसान होगी। किस चीज पे कंफ्यूजन है, छोड़ दो ना, जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया वो छोड़ दो। राजा तासीर, सिंपल सी बात है, 1914 से 1916 तक वर्ल्ड वॉर वन के अंदर 2 मिलियन रशियन फौजी मरे। सुमेरा किस चीज की कंफ्यूजन है, अब सुमेरा गायब हो गई है। एक इन कुड़ियों का सबसे बड़ा मसला, थोड़ा सा डांट देना तो मुंह बना के बैठ जाती है। तीन पॉइंट क्लियर हो गए मेरा बच्चा। जी ठीक है, तीन पॉइंट जो मेरा बेटा याद रखना है, जार, रामानुव डायनेस्टी, ऑटोक्रेसी और जार निकोलस टू का ऑर्थोडॉक्स और कन्वेंशनल आउटलुक, नंबर दो, ठीक है, रशियन इंडस्ट्री की इनकम्पिटेंसी टू मीट द चैलेंजेस ऑफ सिक्योरिटी जो उनपे इंपोज होंगे, और तीसरी चीज, ठीक है, फिशर्स विच वर अमर्जिंग इन द सोशल फैब्रिक ऑफ रशिया बाय वर्चू ऑफ सोसाइटल रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स एंड डिवीजन ऑफ द होल डेमोग्राफ्स इन मॉडरेट फोर्सेज एंड इन रेवोल्यूशनरी फोर्सेज, मीनिंग दैट इन कैपिटलिस्ट विंग एंड इन सोशलिस्ट विंग। अब बात क्लियर हो गई, ये तीन पॉइंट्स क्लियर रखने। अहमद ये यार जाके उसकी फूफी से पूछ, वाई वाज सो कंजर्वेटिव। अपने दादा से पूछी, वाई ही वाज सो कंजर्वेटिव। स्टेटस को पावर जनरली कंजर्वेटिव ही होती है। ठीक है, दादा दादी कहते हैं ना, क्या जमाना आ गया घटिया हमारे जमाने में। ठीक है, दादा दादी से पूछे, बच्चे आपने 12 पैदा किए, हमारे जमाने में शर्म हो जाती। बड़ा सिंपल सा रूल है ना यार, स्टेटस को फोर्सेस हमेशा कंजर्वेटिव ही होती है। अब से मेरे बच्चों को यहां तक बात समझ आ गई। अब अनवर, इसकी कॉन्टिन्यूटी में कहानी समझ, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, यह रशियन रेवोल्यूशन कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हुआ ये कि ये जो अभी मैंने तुम लोगों को कहानी बताई ना कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की, ठीक है, तो रशिया के अंदर 1898 में एक पार्टी बनी। अनवर कब बनी, 1898 में एक पार्टी बनी, ठीक है, जिस पार्टी का नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। 1898 में, पहले मुझे गुस्सा आया हुआ कुछ और बातों की वजह से, ऊपर से आज तो मुझे धड़ाधड़, ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, RSDLP, पार्टी का नाम क्या आया, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। अहमद, 1898 में यह पार्टी बनी। सुल्तान, ये पार्टी बनने के सही 4 के बाद ये पार्टी 1902 में दो एक्सट्रीम ग्रुप्स में होगी डिवाइडेड। ठीक हो गया, एक साइड पे थे मेंशेविक्स, एक साइड पे थे बोल्शेविक्स, और बोल्शेविक्स को लीड कर रहा था लेनिन। बोल्शेविक्स को लीड कौन कर रहा था, लेनिन। अहमद जरा कहानी जरा समझी, यहां से रशियन रेवोल्यूशन की बेस खड़ी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कहानी बड़ी टेक्निकल है। मेंशेविक्स
कैपिटलिस्ट हैं, फ्यूडल्स हैं और बिजनेस क्लास के लोग हैं। मेंशेविक्स कैपिटल्स हैं, कैपिटलिस्ट हैं, फ्यूडल्स हैं और बिजनेस क्लास के लोग हैं, जबकि बोल्शेविक्स सोशलिस्ट, ठीक है, बोल्शेविक्स ज्यादा पीजेंट्स हैं और ज्यादा वो किसान हैं जिनके पास लैंड राइट नहीं है। बात समझ आ गई? अब बोल्शेविक्स ने सपोर्ट किया सोशलिज्म को और मेंशेविक्स ने सपोर्ट किया कैपिटलिज्म को, ठीक है। मेंशेविक्स मॉडरेट थे जबकि बोल्शेविक्स रेवोल्यूशनरी थे। ये बात समझ आ गई? अब जैसे ही ये पार्टी दो विंग्स में डिवाइड हुई ना अहमद सुल्तान, तो जो निकोलस टू था वो तो प्रो कैपिटलिज्म था, वो तो प्रो फ्यूडल स्ट्रक्चर था, वो तो प्रो कैपिटलिस्ट था, वो तो प्रो फ्यूडल स्ट्रक्चर था, फ्यूडलिस्ट स्ट्रक्चर था। तो हुआ ये कि निकोलस टू ने बोल्शेविक विंग को कर दिया बैन, ठीक है, बोल्शेविक विंग को कर दिया बैन, ठीक है, और इसकी सारी की सारी लीडरशिप को 1902 में एग्जाइल करके जर्मनी भेज दिया, ठीक हो गया। तो मुल्क में रह गए मेंशेविक्स, ठीक है। बाद में यही बोल्शेविक्स की लीडरशिप जो जर्मनी के अंदर एग्जाइल होके चली गई थी, बाद में यही लीडरशिप आके अन्नी पाई। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसने मेंशेविक्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आई होप सो मेरे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है, ठीक हो गया। अब बैकग्राउंड के अंदर ये होता है कि भाई, ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर 1902, साइमा बेटा अल्लाह का वास्ता है, क्या चाह रहे हो यार? 1902 ठीक हो गया। अब अगली बात जरा समझनी है अनवर, अगली बात जरा टेक्निकल बात समझनी। अब बोल्शेविक्स चले गए, बोल्शेविक्स थ्रेट तो को तो वक्ती तौर पे अनवर उसने बिठा दिया ना, लेकिन हुआ ये कि जापान पैसिफिक ओशन के अंदर मिलिट्रीज्म, इंपीरियलिज्म, एक्सपेंशनिज्म कर रहा था, ठीक हो गया अनवर। ये बात सुनी, बात बड़ी टेक्निकल है, ठीक है। वो जापान एक्सपेंशनिज्म कर रहा था, जापान अपने आप को पैसिफिक की पावर के तौर पे बिल्ड कर रहा था, ठीक है। तो जार के सर पे चढ़ गई, जार ने कहा ये डड्डू जितना छोटा सा मुल्क है जापान, ये पूरे के पूरे पैसिफिक ओशन में रशिया के पिछवाड़े में अन्नी डाल रहा है, ठीक हो गया, ये पुठे पंगे ले रहा है, इस डड्डू की मजाल के लिए रशियन एम्पायर के सामने आके होते हुए पूरे के पूरे, ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर ये लूट मचाए, ठीक हो गया। तो जार की कैलकुलेशन में उसने डिसाइड कर लिया कि उसने जापान को कुटना है, ठीक हो गया। अब जापान ने 1880s, 1890s और 1900s के स्टार्ट में मैसिव किस्म की अपनी मिलिट्री बिल्ड की, मैसिव किस्म की अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए, और प्रीडोमिनेंटली उसने अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स खड़ी की, ठीक हो गया। अब अनवर हुआ ये कि 1902, 1903 के अंदर चाइना में एक सिविल वॉर छिड़ी हुई थी, चाइना में एक सिविल वॉर छिड़ी हुई थी। जैसे रशिया के अंदर इंटेलिजेंसिया डिवाइडेड था ना अनवर, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट में, ठीक है, तो जापानी उठे और उन्होंने चाइनीज सिविल वॉर के अंदर जाके, ठीक है, चाइनीज सिविल वॉर के अंदर जाके उसने सोशलिस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, चाइनीज सिविल वॉर के अंदर जाके उसने सोशलिस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। शीशे वाले क्या हुआ? सांस क्या थूंगे? लिफ्ट से नहीं है? ऊपर चढ़ने से नहीं? हाँ, मुबारक हो, ठीक हो गया। प्लीज मेरे बहनों भाइयों, खाने को कुछ है? बिस्किट है, कुछ नहीं। मुझे नहीं पता, मैंने कहा नहीं। निम्को है तो वो दे दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी,
यहां तक मेरे बहनों भाइयों को बात समझ आ गई? अब प्लीज अगली बात जरा समझिएगा। अब अनवर बात थोड़ी सी टेक्निकल है। जापान में चल रही थी ऐसे ही सिविल वॉर, ठीक है। जापान ने अपने एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा को लेके चाइना की सिविल वॉर में सोशलिस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब जार तो बादशाह था ना, जार ने सोचा कि साला हमारे पड़ोस में आके ये कल के डड्डू सोशलिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जार तो खुद ही सोशलिस्ट को पसंद नहीं करता था, तो उसने भी चाइना की सिविल वॉर में इंटरवीन किया अनवर, और उसने कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर दिया। तो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करने का क्या मतलब है कि रशिया ने, जार ने एंटी जापान मनूवर ले लिया चाइनीज सिविल वॉर में। वो मामला इतना बड़ा कि रशिया और जापान एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब जार कमांडर इन चीफ था, ठीक है, अनवर जार कमांडर इन चीफ था, तो जार ने, ठीक है, कहा कि भाई मैं तो जापान को कुटू ही कुटू, इनकी औकात कैसी हुई कि ये रशियन एम्पायर को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं जापान पे हमला करूंगा। अब अनवर मोटी सी बात है कि जापान और रशिया, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर तो मीट नहीं करते ना, उनके दरमियान वाटर्स है, ठीक है, पैसिफिक ओशन के वाटर्स है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के दरमियान जंग हो सकती थी वो तो नेवल जंग हो सकती थी, लेकिन रशिया ने तो अपनी नेवी खड़ी नहीं की थी, उनकी तो बड़ी इमेच्योर किस्म की नेवी थी, और जापान ने तो अपनी मैसिव किस्म की नेवी खड़ी की थी पिछली दो दहाइयों में, ठीक हो गया। तो जार के जर्नैल उसे कहते रहे, बंदे का पुत्र बन, खोते का चम ना बन, जापान की नेवी हमसे मजबूत है, हम उनके साथ नेवल वॉरफेयर के वॉर के मुतहम्मल नहीं हो सकते। लेकिन सर बादशाह के सर पे चढ़ी हुई थी, उसने कहा नहीं नहीं, जापान की नेवी की औकात के जार की नेवी के साथ पंगा ले, उसने जापान के ऊपर नेवल स्ट्राइक किया, जापान ने आगे से कूटा, और रशिया को अपनी तारीख की बदतरीन शिकस्तों में से एक शिकस्त हुई, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ जो जापान और रशिया के दरमियान 1905 में ट्रीटी हुई सुल्तान, इस ट्रीटी के नतीजे में, ठीक है, जार को अपने बहुत सारे टेरिटरीज और अपनी नेवल फ्लीट्स को बाउंटी के तौर पे जापान को सीट करना पड़ा, और ये जार निकोलस टू और रामनूफ डायनेस्टी के रूल का सबसे ज्यादा तजीक आमेज इवेंट, ठीक हो गया। अब जैसे ही रशियो जापानीज वॉर का थिएटर, ठीक है, जार के खिलाफ गया, तो जार के खिलाफ रॉयल पैलेस के अंदर भी, जार के खिलाफ फौज के अंदर भी, और जार के खिलाफ अवाम के अंदर भी, ठीक है, बड़ी ही नफरत बैठ गई कि इस खोते की गलत पॉलिसीज की वजह से रशिया को एक छोटे से मुल्क से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और उस पे सोने पे सुहागा क्या हुआ अहमद, सोने पे सुहागा क्या हुआ कि दो साल जब जंग छिड़ी ना अहमद, अहमद ये टेक्निकल पॉइंट है, दो साल जब जंग छिड़ी ना तो अहमद हुआ क्या, दो साल की जंग में जार ने, अहमद कॉन्सेप्ट समझी, जार ने जितना जमीनों का पैसा आ रहा था ना बोल्शेविक्स की मेहनत से, जितना पैसा आ रहा था, थोड़ी बहुत जो इंडस्ट्री थी उससे जितना पैसा आ रहा था वो सारे का सारा झोंक दिया वॉर में, पोर्टमोर्ट की के अंदर जो फाइनेंशियल पेनल्टीज लगी थी उसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स को भी, ठीक है, पेमेंट्स नहीं मिली, किसानों को भी अपनी उजरतें नहीं मिली, तो ऑटोमेटिकली मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन भी आ गई और लोगों को उनकी रिटर्न्स ना मिलने की वजह से पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू हो गए, ठीक हो गया। लोगों ने कहा हम भूखे मर गए, चूल्हे बुझ गए गरीब के, तुम हमारी उजरतें क्यों नहीं देते, तुम हमें हमारी कंपनसेशन क्यों नहीं देते, हमने तो तुम लोगों को प्रोडक्ट दे दिया, हम लोगों ने तो तुम लोगों को अनाज दे दिया, हम लोगों ने तो तुम्हें एग्रीकल्चर आउटपुट दे दिया, लेकिन हमें नहीं पैसा मिलेगा। तो 1905 के अंदर, ठीक है, हुआ क्या कि एक रोज जार के पैलेस के बाहर, जार के पैलेस को सुल्तान पेट्रोग्रेड कहते हैं, जार के पैलेस के बाहर लोग मुजाहिरे कर रहे थे, जार के पैलेस के बाहर लोग मुजाहिरे कर रहे थे कि हमें हमारी उजरत दी, ठीक हो गया।
अच्छा उन्हें को ऊपर आ जाए। अच्छा तो प्लीज बाद सुल्तान रसन की जार की, ठीक है, पैलेस के बाहर पेट्रोग्रेड के अंदर वो जब लोग इकट्ठे हुए तो इसने क्या किया कि इसकी जो 111 ब्रिगेड थी सुल्तान, इसकी जो रॉयल फोर्स थी कोसिक कैवलरी थी जो पेट्रोग्रेड की सिक्योरिटी के ऊपर नाफिस थी, इसने उन्हें हुक्म दिया कि वो लोगों के ऊपर ओपन फायर खोल दें, ठीक है। तकरीबन 20,000 लोग मरे और ये इवेंट क्या कहलाता है, ब्लडी संडे अहमद। अब कुछ रशियो जापानीज वॉर की वजह से, ठीक है, फौज इसके खिलाफ थी, इस इवेंट की वजह से लोग भी इसके खिलाफ हो गए और पूरे मुल्क में मुजाहरे चले कि भाई ये निजाम अब ऐसे नहीं चल सकता, ये निजाम ऐसे नहीं चल सकता, इसे रिफॉर्म करना चाहिए। ब्लडी संडे बता तो दिया कि संडे के दिन मुजाहरे हो रहे थे, इसने कोसिक कैवलरी को कहा कि भाई मुजाहरीन के ऊपर ओपन फायर कर दो, तो ये ब्लडी संडे की रोज 20,000 लोग मरे जिसकी बुनियाद पर लोग। अब इस इवेंट की वजह से ना सुल्तान जार को बैक फुट पे जाना पड़ गया और इसने फौज के साथ, इसने अवाम के साथ, ठीक है, कमिटमेंट कर ली कि मैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म करने के लिए तैयार, ठीक है। वक्ती तौर पे लोगों को इधर उधर से पैसा पकड़ के लोगों को उजरत भी दे दी, मुजाहिरीन को अपीस किया और लोगों के प्रेशर के अंदर आके कहा कि मैं, लोगों के प्रेशर के अंदर आके कहा कि मैं, ठीक है, मुल्क के अंदर रिफॉर्म प्रोसेस करने के लिए तैयार हूं। काफिया बेटा यहां तक कहानी समझ आ गई। अब ठीक है, अब कहानी जरा समझी राफिया, इस चीज को सामने रखते हुए इसने एक पार्लियामेंट बना दी जिस पार्लियामेंट को कहते हैं दूमा, इस जिस पार्लियामेंट को कहते हैं दूमा। पार्लियामेंट बना तो दी लेकिन पार्लियामेंट को इफेक्टिव नहीं किया। सहमा बेटा, कोसिक कैवलरी जो पेट्रोग्रेड की हिफाजत के ऊपर स्पेशल फौज का दस्ता तैनात था जो रॉयल पैलेस यानी पेट्रोग्रेड की प्रोटेक्शन करने का जिम्मेदार था, ठीक हो गया। तो मेरे बहनों भाइयों, इसने दूमा बना तो दी राफिया लेकिन किसी भी तरीके से दूमा को अफेक्टिव नहीं किया, किसी भी तरीके से दूमा को इम्पावर नहीं किया, ठीक हो गया। जब दूमा को इम्पावर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल फिशर्स तो और बढ़ना शुरू हो गई। फिर इसने ब्लडी संडे के बाद लोगों से वादा किया था कि मैं फ्यूडल स्ट्रक्चर को खत्म करूंगा, ठीक है, मैं किसानों में, बोल्शेविक्स में, ठीक है, जमीनें तकसीम करूंगा यानी लैंड रिफॉर्म्स लाऊंगा, लैंड ओनरशिप दूंगा। इसने लैंड ओनरशिप भी नहीं दी, इसने लैंड ओनरशिप भी नहीं दी जिसकी बुनियाद पे अंदर खाते इसके खिलाफ जो लावा था वो उबलता गया, उबलता गया, उबलता गया। और जो रेडिकल इंटेलिजेंसिया थी, ठीक है राफिया, जो रेडिकल इंटेलिजेंसिया थी, अब रेडिकल इंटेलिजेंसिया कौन है, रेवोल्यूशनरीज कौन है, ठीक है, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट कौन है, गरीब, गरीब कौन है, रोटी कपड़ा और मकान वाले, ठीक है। उन लोगों के मुतालबात, उन लोगों की मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा इंटेंसीफाई होती गई, ठीक है। तो इनफेक्टिव दूमा ने रेडिकल इंटेलिजेंसिया को और स्ट्रॉन्ग किया, फ्यूडल सोसाइटी के खिलाफ और ज्यादा डिसकॉन्टेंट आया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ना होने की वजह से बोल्शेविक्स और ज्यादा मुत्तहिद हुए और इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की वजह से मिलिट्री की स्ट्रेंथ और वीक हुई और वीक हुई और ये लावा उबलता रहा यानी फिशर्स बढ़ते जा रहे हैं यानी जार वर्सेस फौज, जार वर्सेस फ्यूडल्स, जार वर्सेस बोल्शेविक्स, जार वर्सेस इंटेलिजेंसिया। साइमा बेटा पूरा बैकग्राउंड समझ आ गया। अब तक तो फिंगर टिप्स पे आ जाना चाहिए बैकग्राउंडर में क्या चल रहा है। अब राफिया बेटा होता क्या, वर्ल्ड वॉर वन का आगाज होता है, प्लीज मेरी बात को जरा समझिए, ठीक है।
अनवर छोटा सा टेक्निकल पॉइंट जरा सा, जब वर्ल्ड वॉर वन अनवर शुरू हुई ना मेरी जान, तो वर्ल्ड वॉर वन से रशिया का कोई लेना देना नहीं था। रशिया के साउथ वेस्ट के अंदर एक छोटी सी सर्बियन कम्युनिटी रहती थी, एक छोटी सी सर्बियन कम्युनिटी रहती थी साउथ वेस्ट के अंदर, रशिया के साउथ वेस्ट के अंदर एक छोटी सी, ठीक है, एक छोटी सी रहती थी आपकी सर्ब कम्युनिटी रहती थी। अब सर्बिया के लोग गए, वो जार से मिले और जार से कहा कि भाई आपके मुल्क में सर्ब्स रहते हैं, तो इन सर्ब्स की वजह से आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि अगर जर्मनी या ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पे हमला करे तो आप सर्बिया की मदद करें। बात समझ आ गई? अब जार तो बादशाह था ना, जार ने अपने मुल्क की स्टेक्स के बारे में नहीं सोचा, ठीक है। जार ने उनसे कमिटमेंट कर ली कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे छोटे छोटे मुल्कों की औकात के सर्बिया पे हमला करे, जाओ तसल्ली रखो अगर सर्बिया के ऊपर हमला किया ऑस्ट्रिया हंगरी ने तो हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। ये मुमकिन ही नहीं है कि रशियन एम्पायर होते हुए, आखिर हमारे मुल्क में भी तो सर्ब्स हैं, तो हम अपने सर्ब भाइयों को भूलेंगे नहीं, ठीक हो गया। तो उसने ये नारा लगा दिया। अब वर्ल्ड वॉर वन का आगाज कैसे होता है? ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के ऊपर हमला कर देती है। अब जैसे ही हमला हुआ तो ये अपने जर्नैलों को बुलाता है और ये अपने जर्नैलों को बुला के, ठीक है, उन्हें ये कहता है कि भाई मैं जा रहा हूं सर्बिया के फेवर में ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि मैं सर्बिया से वादा कर चुका हूं। तो आगे से फौज ने कहा कि खोते, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं, हमारी मिलिट्री प्रेपरेशन नहीं, हमारे पास वेपन्स इस इंटेंसिटी के नहीं, हमारी इकोनॉमिक बेस ऐसी नहीं, तो भाई तू वॉर का हिस्सा ना बन, क्यों तू 1.5 मिलियन सर्ब्स की वजह से पूरे के पूरे मुल्क को जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने खड़ा करेगा। इसने कहा कि भाई एक बार मैं कमिटमेंट कर लूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ठीक हो गया। तो इसने विदाउट मिलिट्री प्रिपरेशन, विदाउट द कंसेंट ऑफ, ठीक है, मिलिट्री जर्नल्स, इसने, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर हमला करने का ऐलान कर दिया। ना मिलिट्री प्रिपरेशन है, ना ऑपरेशनल सपोर्ट है, ना पावर बैकिंग, ना पावर बैकिंग है, ठीक हो गया। ऊपर से फौज भी इस चीज के खिलाफ है, और ऊपर सोने पे सुहागा ये कि अनवर इसने वॉर फ्रंट के ऊपर चार्ज खुद संभाल लिया, ठीक है, चार्ज खुद संभाल लिया, ठीक है, वॉर फ्रंट के ऊपर चार्ज खुद संभाल लिया, और इसने कहा कि वॉर फ्रंट के ऊपर जाके मैं अपनी फोर्सेस को लीड करूंगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट है अनवर, यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट है। वो टेक्निकल पॉइंट क्या है? इसकी 5 बेटियां और उनके बाद एक बेटा, अनवर ऑटोक्रेसी तो वारस पे चलती है ना, ऑटोक्रेसी तो वारस पे चलती है ना, तो इसका 5वां जो बेटा था वो होमोफीलिया का मरीज था, यानी उसके खून की एक बीमारी थी। अब राफिया से पूछ लेना होमोफीलिया का, ठीक है। जार और उसकी बीवी अलेक्जेंड्रा ने हर मुमकिन कोशिश की कि उसका इलाज हो, लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका, ठीक है। तो एक जर्मन था, ठीक है, एक बड़ा ही श्रूड किस्म का जर्मन था, जिससे जर्मनी से ऑस्ट्रिया हंगरी से निकाला गया था सेक्स क्राइम्स के ऊपर। वो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी से जब एग्जाइल पे गया तो वो सर्बिया में रहा, और वहां पे उसने अपने आप को, ठीक है, हिकमत विकमत सीखी, इलाज विलाज सीखा, और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को एक मिस्टिक के तौर पर इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, एक जोगी का लिबादा ओढ़ लिया, और वो जो भी जोगी का लिबादा ओढ़ते 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 वो रशिया में आ गया। तो किसी ने अलेक्जेंड्रा को कहा
ठीक है, उसने आहिस्ता आहिस्ता रॉयल्स के करीब रहना शुरू कर दिया और अपने आप को मशहूर करना शुरू कर दिया, मैं पीर, ठीक है, मैं आलम, मैं फाजल, मेरे पास गैब का इल्म है, मेरे पास हिकमत है। तो इसने किसी तरीके से रॉयल पैलेस के अंदर ये मैसेज भिजवाया, ये वॉर से पहले की बात है राफिया, कि मेरे पास तुम्हारे बेटे का इलाज है। तो अलेक्जेंड्रा ने क्या किया कि इस रस्पुतिन को, ठीक है, रॉयल पैलेस में बुला लिया और इसको कहा कि तुम रॉयल पैलेस में रह के, यानी पेट्रोग्रेड में रह के मेरे बेटे का इलाज कर। यहां तक बात समझ आ गई राफिया बेटा, बात समझ आ गई? अब हुआ ये कि निकोलस टू तो चला गया वर्ल्ड वॉर वन के थिएटर पे, जब वो गया तो वो जाते जाते अपनी बेगम अलेक्जेंड्रा को पीछे का चार्ज दे गया। राफिया, अब अलेक्जेंड्रा मुल्क चला रही थी, लेकिन रस्पुतिन ने अपनी शरूफ नेचर की वजह से अलेक्जेंड्रा को अपने जाल में फंसा लिया और आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, रस्पुतिन का दूमा डिसीजन मेकिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। अब जब ये दूमा और, ठीक है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और बॉर्डर के ऊपर पैदर पेशकशें हो रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पेट्रोग्रेड और मुल्क में बात फैलना शुरू हो गई कि अलेक्जेंड्रा और रस्पुतिन के दरमियान कोई इलीजिटिमेट अफेयर है और रस्पुतिन अपने इन्फ्लुएंस की वजह से जानबूझ के अलेक्जेंड्रा से ऐसे डिसीजन करवा रहा है, ठीक है, जो डिसीजन रशिया की फेवर में नहीं है। और ये रस्पुतिन बुनियादी तौर पे जर्मनी का एक स्पाई है, लेकिन रस्पुतिन ने अलेक्जेंड्रा की आंखों पे पूरी पट्टी बांधी हुई थी और रस्पुतिन ने डिक्टेट करना शुरू कर दिया दुमा को और रॉयल्स को, रॉयल प्रिंसेस को डिक्टेट करना शुरू कर दिया। तो अलेक्जेंड्रा और रस्पुतिन के लव अफेयर्स ने पेट्रोग्रेड के अंदर भी निकोलस टू और अलेक्जेंड्रा के खिलाफ मजीद आग को हवा दे दी। यहां तक कहानी समझ आ गई? ठीक है, अब राफिया बेटा 1914 रशिया को मार पड़ी, 1915 रशिया को मार पड़ी, 1916 रशिया को मार पड़ी, 3 साल रशिया को मार पड़ी, 2 मिलियन रशिया के फौजी मरे। फौजी चाहते थे कि वो वॉर से निकले, मुल्क के अंदर बला किस्म की इन्फ्लेशन आ गई, लोगों को उनकी उजरत नहीं मिल रही, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन बेहतर नहीं हो रही, रोजाना इंडस्ट्रीज में डेथ हो रही है, ठीक हो गया, फौजियों को ऑपरेशनल सपोर्ट नहीं मिल रही, तो फौज भी खिलाफ होती जा रही है, ठीक है, किसान भी, पीजेंट्स भी, यानी बोल्शेविक्स भी खिलाफ होते जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी खिलाफ होते जा रहे हैं। पूरी आवाम कहती है कि हमें रोटी चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें लैंड रिफॉर्म्स चाहिए, हमारा इस वॉर के साथ कोई लेना देना नहीं। और इस वॉर को फर्दर फ्यूल कर रहा है, इस सेंटिमेंट को फर्दर फ्यूल कर रहा है पैदर पे शिकस्तें ऑफ रशियंस इन वॉर, और नंबर दो ये इन हाउस रस्पुतिन और अलेक्जेंड्रा के लव अफेयर की कहानी। ठीक हो गया, मेरे बहनों भाइयों को यहां तक पूरे का पूरा बैकग्राउंड समझ आ गया, ठीक है। अब यहां से हम कहानी को बिल्ड करते हैं, मुझे 5 मिनट की ब्रेक मिलेगी, मेरे कुछ गेस्ट आए हैं, उनको सिर्फ हाय हाय करा, सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक मिलेगी।
जी, यहाँ तक बात समझ आ गई है सब लोगों को? अब मेरे बहनों भाइयों, अब हम बैकग्राउंडर पूरे का पूरा कर लिया। राफिया आप अपनी गाड़ी को जरा समझते हैं। राफिया प्लीज, राफिया बात आगे बढ़ाने से पहले ना एक बात समझ लो। रशिया उस टाइम ग्लोबल कैलेंडर को रिकॉग्नाइज नहीं करता। रशिया ने, ज़ार लोगों ने कैलेंडर भी अपना लॉन्च किया हुआ था, और वो कैलेंडर तकरीबन दुनिया के ग्लोबल कैलेंडर से 2 हफ्ते पहले ऑपरेट करता था। ठीक हो गया? 2 हफ्ते रिग्रेशन के ऊपर ऑपरेट करता था। फॉर एग्जांपल, आज अगर 15 फरवरी है तो रशिया के अंदर 1 फरवरी होता था। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लिया। अब इंटरनेशनल विमेंस डे जनरली सेलिब्रेट होता है, ठीक है, 8 अप्रैल को, सॉरी, ये 15 दिन तकरीबन लेट ऑपरेट करता था, 15 दिन पहले ऑपरेट करता था। तो मेरे बहनों भाइयों, जो रशियन, ठीक है, विमेन डे है, इंटरनेशनल विमेन डे, वो 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है, लेकिन रशिया के अंदर ये 23 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। अब कहानी जरा समझनी है राफिया। कहानी शुरू होती है फरवरी रेवोल्यूशन से। इंटरनेशनल विमेन डे इन रशिया यानी 23 फरवरी, इन ओरिजिन दिन कौन सा है? 8 मार्च। ठीक है, पेट्रोग्रेड यानी रशियन कैपिटल सिटी की जो टेक्सटाइल मिल्स थी, उनकी खवातीन ने रॉयल पैलेस के बाहर मुजाहरे करना शुरू किए कि हमें हमारी उजरत को, हमें हमारी, ठीक है, जितनी भी पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो दो 23 फरवरी को। अब राफिया हुआ ये कि जब इंटरनेशनल वीमेंस डे के पर्सपेक्टिव के ऊपर 23 फरवरी को मुजाहरे हुए पेट्रोग्रेड के बाहर, तो 2 दिन के बाद 2 दिन औरतें धरने पे बैठी रही, 23 को, 24 को, 25 को ये मुजाहरे और फैल गए, और इसमें औरतों के साथ साथ मर्द भी शामिल हो गए, और वो सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर मर्द नहीं थे, उसके अंदर पीजेंट्स भी थे, किसान भी थे। ठीक हो गया, मुजाहरे बढ़ गए। 26 फरवरी को, ठीक है, कोसिक कैवलरी को, ठीक है, कोसिक कैवलरी को, जो कि पेट्रोग्रेड की हिफाजत पे मामूर थी ना, ठीक है, उससे हुक्म दिया अलेक्जेंड्रा ने ऑन द मशवरा ऑफ रस्पुटिन के, कैसिक कैवलरी को कहो कि मुजाहरीन पे फायरिंग कर दे। 26 फरवरी को पेट्रोग्रेड के बाहर जो पुरअमन मुजाहरीन बैठे हुए थे, उन पुरअमन मुजाहरीन ने, ठीक है, उन पुरअमन मुजाहरीन के खिलाफ कैसिक कैवलरी ने, ठीक है, फायर खोल दिया, जिसकी बुनियाद पे बहुत ज्यादा डेथ हुई। और ये जो डेथ की टैली है वो 1,000 से 20,000 के दरमियान डिफरेंट हिस्ट्री की बुक्स में डिफरेंट कोटेड है। ठीक है, जैसे ही कैसिक कैवलरी ने 26 फरवरी को कत्लेआम किया, तो 27 फरवरी को पूरे के पूरे मुल्क में मुजाहरे फैल गए, पूरे के पूरे मुल्क में मुजाहरे फैल गए। और वो जब मुजाहरे फैले तो एक आर्मी फौज, क्योंकि बॉर्डर्स के ऊपर जंग लड़ी थी, तो फौज की गैर मौजूदगी में, ठीक है, फौज की एक रेजिमेंट थी जिसे वोलिंस्की रेजिमेंट कहते हैं। वोलिंस्की रेजिमेंट का काम था कि उन्होंने वॉर के दौरान इंटरनल ऑर्डर को इंश्योर करना। ठीक है, जब मुजाहरे बढ़ गए तो अलेक्जेंड्रा ने हुक्म दिया वोलिंस्की रेजिमेंट को कि आप इन मुजाहरों को बाई फोर्स सप्रेस करने की कोशिश करें, लेकिन वोलिंस्की रेजिमेंट के जवानों ने म्यूटनी कर दी। उन्होंने कहा कि हम अपनी हुकूमत के खिलाफ किसी भी तरीके से, हम अपनी हुकूमत के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई भी बगावत नहीं करेंगे, हम अपने अवाम के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई फायरिंग नहीं करेंगे। बेटा यहां तक कहानी समझ आ गई? 23 फरवरी को
इंटरनेशनल वीमेन डे पे पेट्रोग्रेड टेक्सटाइल मिल मुजाहरे करते हैं, 25 फरवरी को मुजाहरे बढ़ते हैं, 26 फरवरी को किलिंग होती है, 27 फरवरी को वोलिंस्की रेजिमेंट, ठीक है, 27 फरवरी को वोलिंस्की रेजिमेंट जो है वो म्यूटिनी कर देती है, बगावत कर देती है। आई होप सो मेरे बच्चों को यहां तक कहानी समझ आई। अब समझो बेटा हुआ क्या, जब ये बगावत होती है ना तो दूमा के लोग तो पहले ही खिलाफ, साइमा बेटा तू स्लाइडें मत देख, ठीक है, दूमा के लोग तो पहले ही जार के खिलाफ थे कि दूमा को इफेक्टिव नहीं करता, पार्लियामेंटेरियंस की बात नहीं सुनता। तो दूमा के मेंबर्स उठे, ठीक है, जो पार्लियामेंट हाउस था, यानी जैसे कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट हाउस है ना, तो जो ठीक है पार्लियामेंट हाउस था पेट्रोग्रेड के अंदर, उसे टॉराइड पैलेस कहते थे। दूमा के मेंबर 1917 की बात हो रही है उज़ैफा, ठीक है, तरे दूमा के मेंबर उठे और दूमा के मेंबर्स ने, ठीक है, आपस में मीटिंग की और उन्होंने कहा कि भाई ये तो मुल्क बगावत की तरफ जा रहा है, निकोलस तो इफेक्टिव ही नहीं है, तो हम लोग दूमा के मेंबर्स मिलके मुल्क के अंदर अपनी हकूमत का ऐलान करते हैं, ठीक है, हम अपनी हकूमत का ऐलान करते हैं, ठीक हो गया। तो दूमा के मेंबर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई निकोलस का इक्तदार अब इफेक्टिव नहीं है, अब मुल्क को गवर्न करेगी दूमा यानी पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे ही निकोलस टू को पता चला कि दूमा के लोगों ने तो मुल्क में हकूमत का ऐलान कर दिया है, ठीक है, तो निकोलस आया और उसने रॉयल ऑर्डर्स के जरिए दूमा को डिसॉल्व किया और दूमा के अंदर जो उसके अपने कुछ किचन कैबिनेट के लोग थे उनकी एक कमेटी बनाई, टेम्परेरी कमेटी ऑफ स्टेट दूमा, ठीक है, और उन मेंबर्स की बुनियाद पे काउंसिल बना दी, पेट्रोग्रेड सोवियत बना दी, और कहा कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, ठीक है, नवंबर के अंदर वॉर के बाद मैं इलेक्शन करवाऊंगा, तब तक, ठीक है, ये जो टेम्परेरी कमेटी है ये मेरी असिस्टेंस में मुल्क को चलाएगी, यानी जब तक इलेक्शन नहीं होते, ठीक है, ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है जिसे हेड मैं कर रहा हूं लेकिन डिसीजन सारे के सारे पेट्रोग्रेड सोवियत की मुशावरत से लिए जाएंगे, ठीक है, ये मुल्क को चलाएगी। तो 2 मार्च को उसने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। अब मजे की बात यह कि इसने कहा यह प्रोविजनल गवर्नमेंट मेरी असिस्टेंस के अंदर नवंबर तक यानी इलेक्शंस तक मुल्क को चलाएगी और इलेक्शंस के बाद डिसाइड होगा कि मुल्क का निजाम क्या है, ठीक है। अब जो दूमा के मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट हमारी है और जो पेट्रोग्रेड सोवियत अंडर निकोलस टू वो कहते हैं कि हकूमत हमारी है, तो मुल्क दो हिस्सों में डिवाइड हो गया चुनाचे, ठीक है, मुल्क दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट एक है जो सोवियत पेट्रोग्रेड सोवियत के नाम से ऑपरेट कर रही है और दूमा के मेंबर्स ये कहते हैं कि हमारी हकूमत है, चुनाचे मुल्क के अंदर दो लेजिटिमेट पार्ट दो पार्टीज ने इक्तदार का ऐलान कर दिया, तो मुल्क के अंदर एक ईरा शुरू होता है, ईरा ऑफ डुअल अथॉरिटी, पेट्रोग्रेड सोवियत दूमा के डिसीजन मानने के लिए तैयार नहीं है और दूमा पेट्रोग्रेड सोवियत के डिसीजन मानने के लिए तैयार नहीं है। आई होप सो मेरे बच्चों को याद है कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब दाफिया बेटा अहमद, ये अंदर पावर सेंटर्स की लड़ाई हो चल रही है लेकिन बाहर मुजाहिरे हो रहे हैं, बाहर मुजाहिरे हो रहे हैं। तो शीजा अवाम को अपीस करने के लिए निकोलस ने कार्ड खेला, ठीक है, एक फौजी जनरल था जिसका नाम था, ठीक है, अलेक्जेंडर क्रेंसकी, एक फौजी जनरल था जिसका नाम था अलेक्जेंडर क्रेंसकी। अवाम में इसे पसंद किया जाता था, अलेक्जेंडर क्रेंसकी को, ठीक हो गया। तो इसने जो सोवियत एग्जेक्टिव कमेटी थी, यानी ये जो पेट्रोग्रेड सोवियत बनाई थी ना निकोलस टू ने, सोवियत एग्जेक्टिव कमेटी का हेड बना दिया इसने अलेक्जेंडर क्रेंसकी को। अब अलेक्जेंडर क्रेंसकी मुजाहिरीन के पास गया और उसने मुजाहिरीन को कहा कि भाई आप
मुजाहरे खत्म करें और मुजाहरे खत्म करके आप लोग किसी भी तरीके से ठीक है वक्ती तौर पे इलेक्शन तक निजाम को चलने दें। इलेक्शन के बाद आपके वोटों से हुकूमत आएगी तो वो हुकूमत डिसाइड कर लेगी कि फ्यूचर का पॉलिटिकल निजाम क्या होगा। लेकिन मुजाहिरीन ने अलेक्जेंडर क्रेंस्की को कहा कि हम मुजाहरे खत्म करने के लिए तैयार है ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। वह शर्त क्या है कि चाहे जार फैमिली ही इक्तदार में रहे, चाहे जार फैमिली इक्तदार में रहे, लेकिन राफिया हमें निकोलस टू कबूल नहीं है। अगर निकोलस टू होगा तो हम जार को ही कबूल नहीं करेंगे, रामानूफ डायनेस्टी को ही कबूल नहीं करेंगे। तो आप इन हाउस चेंज ले आए, निकोलस टू की जगह किसी और को जार बना दें, लेकिन हमें निकोलस टू कबूल नहीं है। तो निकोलस टू के पास जब अलेक्जेंडर क्रेंस्की गया तो अलेक्जेंडर क्रेंस्की ने कहा कि मुजाहिरीन किसी भी सूरत आपके ऊपर एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप सियाने बने, आप अपने खानदान का इक्तदार बचाएं, अपने खानदान को ठीक है किसी भी और बंदे को बना दें ठीक है, खुद पीछे से चलाते रहें, लेकिन ठीक है वक्ती तौर पे आपका इक्तदार से साइड पे हट जाना ही अकलमंदाना फैसला होगा ठीक है। तो 2 मार्च को जार निकोलस टू ने ठीक है जार की सीट से इस्तीफा दे दिया ठीक। अब सवाल ये आया कि उसका सक्सेसर कौन होगा, तो पहला आइडिया आया कि अलेक्जिस को बना दिया जाए जो उसका बेटा था, लेकिन अलेक्जिस के ऊपर ठीक है खानदान के अंदर ही एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अलेक्जिस एक तो छोटा था 12-1 साल का था, दूसरी ये चीज कि वो इतना बीमार था कि वो जार बनने की कैपेसिटी में नहीं था। तो इसका एक ही भाई था माइकल, तो इसने माइकल को कहा कि भाई अब तू वजीर आजम बन जा, अब तू जार बन जा। तो माइकल ने कहा कि भाईजान जब अयाशी करने की बारी थी वड्डे बाजी वड्डे मियां साहब तो आप अयाशी पट गए, अब जब लेतर खाने की बारी आई तो वड्डे बाज साहब छोटे मियां जी क्यों इक्तदार में आए। तो उसने कहा मैं इस तरह का होम्योपैथिक इक्तदार नहीं लेता। तो 2 मार्च को पहले से ही राफिया जार ने तो इस्तीफा दे रखा था, तो जब उसकी खानदान में से किसी मर्द ने इक्तदार लेने से इनकार कर दिया तो 3 मार्च को फॉर्मली ठीक है इक्तदार खत्म होता है जार निकोलस टू का, यानी 3 सदियों की रामानूफ डायनेस्टी 3 मार्च को जमीन बोस हो जाती है। लेकिन राफिया मुल्क में क्या चल रहा है, एक साइड पे अलेक्जेंडर क्रेंस्की की एग्जेक्टिव सोवियत कमेटी, दूसरी साइड पे दूमा की काउंसिल, दूमा कहती है कि हम लेजिटिमेट हुकूमत हैं ठीक है, क्रेंस्की कहता है कि मैं लेजिटिमेट हुकूमत हूं, जार मुल्क से चला गया और मुजाहिरीन से बचने के लिए वो सेल्फ एग्जाइल के ऊपर मूव कर। यहां तक मेरे बच्चों को कहानी समझ आ गई? यहां तक कहानी समझ आई ठीक है। अब राफिया बेटा यहां तक सब लोगों को कहानी समझ आ गई, अब सहमा बेटा अगली कहानी ज्यादा समझते हैं। जार निकोलस टू तो छूट गया लेकिन मुजाहिरीन तो अभी भी बैठे हैं। मुजाहिरीन ने एक और मुतालबा पेश कर दिया, समय टेक्निकल पॉइंट है जार ठीक है, उन्होंने एक और मुतालबा पेश कर दिया। उन्होंने मुतालबा ये पेश किया कि अलेक्जेंडर क्रेंस्की हम दूमा को नहीं मानते, हम तेरे इक्तदार को मानेंगे, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारा एक मुतालबा, वो मुतालबा ये है कि 1902 में जार ने हमारी लीडरशिप को मुल्क से एग्जाइल पे भेजा था, तो मेरा भाई ये उनके साथ ज्यादती हुई है तो उन्हें एग्जाइल से वापस बुला, ठीक है साइमा तू उन्हें एग्जाइल से वापस बुला। अलेक्जेंडर क्रेंस्की ने कहा कि ठीक है मैं उनके एग्जाइल खत्म कर देता हूं। तो जब एग्जाइल से वापस बुलाया तो अप्रैल 3 को इस कॉम्प्रोमाइज के तौर पे लेनिन वापस आता है, और लेनिन एक बड़ा ही कमाल की पर्सनैलिटी थी, एक बड़े ही कमाल का ओरेटर था, उसकी पर्सनैलिटी वाज काइंड ऑफ भुट्टो ठीक है, उसका एक पर्सनैलिटी का करिश्मा था, एक पर्सनैलिटी का ओरा था, बोलता था तो आग लग जाती थी। तो जैसे ही वो वापस आया तो उसने अपना एक अप्रैल थीसिस दिया,
जो कि एक सोशलिस्ट थीसिस था, और वो थीसिस क्या था, रोटी कपड़ा और मकान। साइमा बड़ा टेक्निकल थीसिस था, उसका नारा रोटी कपड़ा और मकान का नहीं था, उसके नारा था, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, साइमा लेनिन एक ही बंदा था, उसके अंदर कितने बंदे थे ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अब साइमा उसने आके नारा लगाया शीजा पीस लैंड एंड ब्रेड का। अब ये बड़ा टेक्निकल नारा था, पीस का क्या मतलब है, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, ये हमारी जंग नहीं, पीस का क्या मतलब है, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, ये हमारी जंग नहीं है। लैंड का क्या मतलब है, बोल्शेविक्स को फ्यूडल लॉर्ड से लेके लैंड दी जाए, लैंड रिफॉर्म्स, और ब्रेड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की वेजेस बढ़ाई जाए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाए, उन्हें एक प्रॉपर वर्किंग स्ट्रक्चर दिया जाए। तो शीजा गौर करी, एक ही गो के अंदर वो फौज, एक ही गो के अंदर वो बोल्शेविक्स पीजेंट्स, और एक ही गो के अंदर वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को खुश कर रहे। तो अप्रैल 3 को वो वापस आया अलेक्जेंडर क्रेंस्की के साथ कॉम्प्रोमाइज के तौर पे, और उसने पीस लैंड और ब्रेड का नारा लगा दिया। शीजा बेटा यहां तक बात समझ आ गई। अब मेरे बहनों भाइयों, हुआ क्या, हुआ ये कि लेनिन वापस आ गया। प्लीज टेक्निकल पॉइंट है, बहुत टेक्निकल पॉइंट है शीजा। अब अलेक्जेंडर क्रेंस्की ने जिस बंदे को, ठीक है, अपना कमांडर, अपना कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया था ना शीजा, कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया था, उसका नाम था पॉल मिलिकोव। ठीक है, अलेक्जेंडर क्रेंस्की ने लोगों से मुतालबा किया, लोगों ने अलेक्जेंडर क्रेंस्की से मुतालबा किया था कि भाई हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं, ठीक हो गया, तो आप लोग ये जंग खत्म करें, ये जंग खत्म करें। ये शीजा इसने कमिट किया था अलेक्जेंडर क्रेंस्की ने कि हम वर्ल्ड वॉर वन से एग्जिट करेंगे, हम वर्ल्ड वॉर वन से एग्जिट करेंगे। लेकिन पॉल मिलिकोव एक आर्मी जनरल था, उसने जैसे ही अलेक्जेंडर क्रेंस्की के कमांडर इन चीफ का हलफ उठाया ना शीजा, तो उसने कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी दे दी जून के अंदर, जून के अंदर एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी दे दी, और वो पॉलिसी क्या थी, वॉर टिल विक्ट्री, वॉर टिल विक्ट्री। यहां तक बात समझ आ गई। पॉल मिलिकोव लेनिन का आदमी कैसे होगा साइमा, अलेक्जेंडर क्रेंस्की का कमांडर इन चीफ। ठीक है, अब साइमा अलेक्जेंडर क्रेंस्की ने, अलेक्जेंडर क्रेंस्की अब सोवियत पेट्रोग्रेड सोवियत एग्जीक्यूटिव कमेटी को चेयर कर रहा है। ठीक साइमा, उसने लोगों से कई मुतालबे वादे किए, एक तो वादा ये किया कि मैं वॉर को खत्म करूंगा, दूसरा वादा उसने ये किया, ठीक है, कि मैं लेनिन को वापस बुलाऊंगा, तीसरा वादा उसने ये कमिटमेंट की कि मैं ज़ार से इस्तीफा ले लूंगा, ज़ार से इस्तीफा ले दिया, लेनिन को वापस बुला लिया, तीसरा उसका वादा था कि मैं वॉर खत्म करूंगा। ठीक हो गया, दो मुआहदे तो पूरे हो गए, लेनिन भी वापस आ गया, ज़ार भी चला गया। ठीक है सहीमा, अब उसने अपना, ठीक है, सोवियत एग्जीक्यूटिव के हेड के तौर पर उसने जो कमांडर इन चीफ लगाया, पहले कमांडर इन चीफ कौन था, जार, अब जार तो नहीं है, जार तो चला गया, तो उसने जार की जगह जिसे कमांडर इन चीफ लगाया वो था पॉल मिलिकोव। ठीक है, पॉल मिलिकोव ने ये कह दिया कि वॉर टिल विक्ट्री,
कि मैं विक्ट्री तक जंग लड़ता रहूंगा। हालांकि अलेक्जेंडर क्रेंसकी ने तो वादा किया था कि मैं वॉर को खत्म करूंगा, ठीक है, तो उन्होंने वादे के खिलाफ जाके कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी दे दी कि मैं वॉर खत्म करूंगा। लेकिन उस वक्त तक क्या हुआ था कि उस वक्त तक मुजाहिरीन तो इधर उधर हो गए थे, मुजाहिरीन तो इधर उधर चले गए थे, ठीक है। तो जब उसने ये कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी दी कि वॉर टिल विक्ट्री, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? उसका इफेक्ट ये हुआ कि दोबारा मुल्क के अंदर फूड शॉर्टेजेस हुई, वॉर के अंदर और डिफीट्स हुई। तो वो जो मुजाहिरीन पहले अलेक्जेंडर क्रेंसकी के कहने पे उठ के गए थे, वो जुलाई के अंदर उन्होंने दोबारा मुजाहिरे करना शुरू कर दिया। और इस बार मुजाहिरों को लीड कर रहा था, इस बार मुजाहिरों को लीड कर रहा था लेनिन। पहले तो मुजाहिरीन तितर बटेर थे ना, अब मुजाहिरीन को प्रॉपर एक लीडरशिप मिल गई थी लेनिन की। बच्चों यहां तक बात समझ आई या नहीं? ठीक है, अब राफिया बेटा हुआ क्या, जब मुजाहिरीन ने मुजाहरे शुरू किए तो इस बार अनीजा बेटा सिर्फ मुजाहरे नहीं थे, इस बार लेनिन ने, ठीक है, अप्रैल थीसिस की बुनियाद पे रेवोल्यूशन का ऐलान कर दिया कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन है। अब हुआ ये कि भाई किसी ने ठीक है कहा क्या, प्लीज राबिया बेटा कहानी जरा समझें, कहानी बड़ी टेक्निकल है। अलेक्जेंडर क्रेंसकी के ऊपर प्रेशर आ गया, यानी अनीजा, पहले लोग जार के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे फरवरी रेवोल्यूशन में, लेकिन जो जुलाई रेवोल्यूशन आया इसके अंदर तो अब अलेक्जेंडर क्रेंसकी के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे। तो अलेक्जेंडर क्रेंसकी की किचन कैबिनेट ने डिसाइड किया कि हमने बोल्शेविक्स को, ठीक है, बोल्शेविक्स को स्क्रू करो, बोल्शेविक्स को कुटो, ठीक है, इन्हें फारिग करो और इनकी दोबारा से, ठीक है, इन दोबारा से ठीक है इनकी लीडरशिप को कुटो। अगर आपने इस बार इन्हें फ्री हैंड दिया ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बोल्शेविक्स और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो राबिया, ठीक है, इंटरनली डिसाइड ये हो गया, क्रेंसकी ने ये डिसाइड कर लिया कि हमने बोल्शेविक्स को दोबारा कुटना है। तो इन्होंने मैसिव किस्म की कंपेन चलाना शुरू कर दी, बोल्शेविक्स के खिलाफ। अब वो बोल्शेविक्स को स्क्रू करने के चक्कर में राबिया बेटा हुआ क्या कि मुजाहिरीन जो पुरअमन मुजाकरात करना चाहते थे, वो जब उन्हें लगा कि अब तो ये बोल्शेविक्स को जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं, तो उन्होंने मुजाहिरों के अंदर शिद्दत आ गई। राबिया बेटा शिद्दत इतनी आई कि जुलाई के अंदर मुजाहिरीन ने नया मुतालबा शुरू कर दिया कि अलेक्जेंडर क्रेंसकी कबूल नहीं, ये इक्तदार से हटे, ये सोवियत एग्जीक्यूटिव कमेटी से के हटे। तो क्रेंसकी की हुकूमत भी नाकाम, क्रेंसकी की हुकूमत भी नाकाम। ये पॉइंट समझ आ गया? यानी पहले मुजाहरे में जार को फारिग किया, दूसरे मुजाहरे के अंदर क्रेंसकी को फारिग किया। क्रेंसकी मिलिट्री जर्नैल था, ठीक है, जबकि, ठीक है, जार जो है वो ऑटोक्रेट था। तो ऑटोक्रेट भी गया, और जर्नैल भी गया, लेकिन जाते जाते उसने किया क्या कि भाई वो बोल्शेविक लीडरशिप को तो इक्तदार नहीं दे सकता था ना, तो उसने अपने सक्सेसर के तौर पे एक साहब को इंस्टॉल करवाया जिसका नाम था प्राइम मिनिस्टर लिवोव। ये मेंशेविक था। शिजाब पूरा सीक्वेंस समझ आ गया? जार भी गए, फौज भी गई, मेंशेविक भी गए, ठीक हो गया, जार भी गया, फौज भी गई और मेंशेविक्स आ गए, ठीक है। बोल्शेविक्स की बारी फिर नहीं है। अब ये जो प्रिंस लिवोव एक मेंशेविक था जो जार, नहीं, प्रिंस लिवोव एक मेंशेविक था जो जार, ठीक है, फौज इक्तदार से साइड पे हो गई। सहमाज तुझे क्या हुआ है? ठीक है, फौज इक्तदार से साइड पे हो गई, लेकिन फौज ने जाते जाते अपने इमरान खान को इंस्टॉल करवा दिया जो कि एक मेंशेविक, ठीक है, जो रॉयल कैबिनेट में भी था, अलेक्जेंडर क्रेंसकी की भी कैबिनेट में था, ठीक है। अब प्रिंस लिवोव ने जनरल
ट्रॉस्की को अपना कमांडर इन चीफ बनाया, जनरल ट्रॉस्की को अपना कमांडर इन चीफ बनाया। यहां तक बात समझ आ गई? लेकिन यहां पे एक गुगली है, यहां पे एक बड़े मजे की गुगली है। लियोन ट्रॉस्की को अपना कमांडर इन चीफ बनाया, लेकिन यहां पे एक बड़े मजे की गुगली है। प्रिंस लिवोव को किसने प्राइम मिनिस्टर बनवाया था? प्रिंस लिवोव को किसने प्राइम मिनिस्टर बनाया था? शाबाश सुल्तान, क्रेंस्की ने, क्रेंस्की ने, ठीक हो गया। और क्रेंस्की का आर्मी चीफ कौन था? क्रेंस्की का आर्मी चीफ कौन था? मिलिकोव। लेकिन लिवोव ने अपना आर्मी चीफ किसे अपॉइंट किया? ट्रॉस्की को। कहानी जरा समझिएगा, ट्रॉस्की बोल्शेविक था। तासीर बड़ा टेक्निकल ब्लंडर हो गया, ट्रॉस्की बोल्शेविक था। और पूरी वर्ल्ड वॉर वन के अंदर दो ही रशिया को विक्ट्रीज मिली थी, दोनों को लीड किया था ट्रॉस्की ने, पता था राबिया उन्हें, ठीक हो गया। अब हुआ क्या कि एक इवेंट है जिसे कहते हैं कॉर्निलोव अफेयर, कॉर्निलोव अफेयर, सीधा बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, कॉर्निलोव अफेयर। प्रिंस लिवोव को जब ठीक है प्राइम मिनिस्टर बनवाया क्रेंस्की ने, तो क्रेंस्की ने कहा कि भाई मैं तुझे प्राइम मिनिस्टर तो बना रहा हूं, लेकिन लेनिन अगर इस मुल्क में रहा ना तो तुझे इक्तदार एक महीने के लिए भी नहीं मिलेगा, तो तू ऐसे कर कि क्रेंस्की लेनिन के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा, स्पाइंग का इल्जाम लगा, और एक बार फिर इसे जर्मनी में एग्जाइल पे भेज दो। शिजा बात समझ आई? अलेक्जेंडर क्रेंस्की ने ठीक है बैकग्राउंड के अंदर कहा प्रिंस लिवोव को कि भाई तू लेनिन के ऊपर गद्दारी का, स्पाइंग का इल्जाम लगा और उसे फिर एग्जाइल पे भेज दे, अगर लेनिन इस मुल्क में रहा तो तुझे इक्तदार मिलेगा। अनिजे ये बात समझ आ गई? अब प्रिंस लिवोव ने क्या किया कि उसने लियोन ट्रॉस्की से मशवरा किए बगैर लेनिन पे गद्दारी का, स्पाइंग का इल्जाम लगाया और जर्मनी में इसे एग्जाइल पे भेज दिया, फिर से जर्मनी में इसे एग्जाइल पे भेज दिया। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? अब ये टेक्निकल बात क्लियर हो गई। अब लियोन ट्रॉस्की तो बोल्शेविक था, लोग उससे मोहब्बत करते थे, ठीक हो गया। उसे तो दिल पे ले गया कि साला मेरे से मशवरा किए बगैर लेनिन को इन्होंने एग्जाइल पे भेज दिया, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब लेनिन को एग्जाइल पे भेजा तो मुल्क के अंदर मुजाहिरे बढ़ गए, ठीक है। मामला आ गया अक्टूबर तक मुजाहिरे बढ़ गए। अब मुजाहिरीन ने सिर्फ एक मुतालबा कहना शुरू कर दिया कि लेनिन को वापस बुलाओ, लेनिन को वापस बुलाओ। और प्रिंस लिवोव की हकूमत ऑलमोस्ट इनफेक्टिव। यहां तक बात समझ आ गई अनवर? यहां तक बात समझ आ गई? अब मेरे बहनों भाइयों, मुजाहिरीन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी प्रिंस लिवोव ने ट्रॉस्की को, मुजाहिरीन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी प्रिंस लिवोव ने ट्रॉस्की को, ठीक हो गया। और मुजाहिरीन ने यह कह दिया कि भाई हम तभी मानेंगे जब लेनिन आएगा, तो इस बार ट्रॉस्की ने अपना बदला लिया, उसने प्रिंस लिवोव को एतमाद में लिए बगैर, एस्टेब्लिशमेंट बड़े बड़े काम करती है दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में, उसने ठीक है लिवोव को एतमाद में लिए बगैर लेनिन को मुल्क में बुला लिया। हो गई बात? ठीक है, यानी लियोन ट्रॉस्की को एतमाद में लिए बगैर लेनिन को बाहर भेजा गया था, लियोन ट्रॉस्की ने लिवोव को एतमाद में लिए बगैर लेनिन को बाहर बुला लिया, ठीक है। लेकिन लेनिन को एक शर्त पे बुलाया शीजा कि लेनिन मैं तुझे बुला तो रहा हूं लेकिन बोल्शेविक्स कोई खून खराबा नहीं करेंगे, बोल्शेविक्स कोई खून खराबा नहीं करेंगे,
नवंबर में इलेक्शन आने वाला है, बोल्शेविक इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन के जरिए मेजोरिटी लेके हकूमत में आएंगे। यहां तक शीजा बेटा बात समझ आ गई। अब लेनिन वापस आया तो लेनिन ने सारी बोल्शेविक लीडर्स को इकट्ठा किया, बोल्शेविक सारी की सारी बोल्शेविक लीडर्स को इकट्ठा किया, लीडरशिप को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि भाई इनकलाब के लिए टाइम बड़ा जबरदस्त है, हम लोग बाहर निकलते हैं और हम लोग बाई फोर्स प्रिंस लिवोव की हुकूमत को खत्म करके पूरे के पूरे मुल्क में बोल्शेविक रेवोल्यूशन लगा देते। क्लियर हो गया शीजा बेटा? शीजा बेटा ये क्लियर हो गया? लेकिन जो लोकल लीडरशिप थी बोल्शेविक्स की, उन्होंने लेनिन को कन्विंस किया, कि मेरी जान तुझे वापस बुलाया है लियोन ट्रॉट्स्की ने, हमारी लियोन ट्रॉट्स्की के साथ कमिटमेंट ये है कि हम किसी भी किस्म का खून खराबा नहीं करेंगे, हम इलेक्शन में जाएंगे और थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इक्तदार में आएंगे। तो लेनिन बोल्शेविक्स की लीडरशिप से कन्विंस हो गया और ये तय पाया कि हम लोग कोई खूनी इंकलाब नहीं लाएंगे, हम डिस्पर्स होंगे, हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे, नवंबर के इलेक्शन के जरिए हम लोग प्रॉपर इलेक्शन में जीत के रशिया में इख्तदार कायम करें। शीजा बेटा यहां तक बात समझ आ गई? अब ये मीटिंग खत्म होती है, इस मीटिंग की एक एक रिपोर्ट थी लियोन ट्रॉट्स्की को, ठीक हो गया, लेकिन इस मीटिंग की रिपोर्ट प्रिंस लिवोव के पास नहीं थी। प्रिंस लिवोव ये समझा कि बोल्शेविक्स ने मीटिंग की है, तो जरूर उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि भाई ठीक है पेट्रोग्रेड पे हमला करके इक्तदार पे कब्जा किया जाए। ठीक है, परसेप्शंस एंड मिसपरसेप्शन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, याद होगा तुम लोगों को कॉजेज ऑफ वॉर में, ठीक हो गया। तो प्रिंस लिवोव ने इसे ऐसे अज्यूम किया कि जरूर ये खून खराबा करेंगे, ठीक है, लेकिन लियोन ट्रॉट्स्की ने तो कमिटमेंट ली हुई थी बोल्शेविक से कि ये खून खराबा नहीं करेंगे, लेकिन प्रिंस लिवोव ने ये सोचा कि जरूर ये खून खराबा करेंगे। तो जब मीटिंग चल रही थी शीजा बेटा, उसी टाइम में प्रिंस लिवोव ने ठीक है अपनी कोसिक कैवलरी को कहा कि जैसे ये मीटिंग खत्म होगी तुम सारी की सारी बोल्शेविक लीडरशिप के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दो। क्लियर हो गया? अब बोल्शेविक लीडरशिप मामलात को ठंडा करके उठी, जैसे ही उठी ठीक है वो लोग डिस्पर्स हो रहे हैं पीसफुली और प्रिंस लिवोव की पुलिस ने बोल्शेविक लीडरशिप पे हमला कर दिया, उनकी पकड़ दकड़ शुरू कर दी, उन्हें मारना शुरू कर दिया। जैसे ही लियोन ट्रॉट्स्की को पता चला कि भाई ये तो पीसफुली डिस्पर्स हो रहे थे लेकिन प्रिंस लिवोव ने पुलिस के जरिए उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, ठीक है, तो उसने सपोर्ट देने से इनकार कर दिया प्रिंस लिवोव को। पूरे मुल्क में बोल्शेविक्स ने धावा बोला, उन्होंने कहा हम पूरा मन डिस्पर्स हो रहे थे, प्रिंस लिवोव ने हम पे हमला क्यों करवाया। तो उन्होंने जगह जगह पे बोल्शेविक्स के दठे उठे, उन्होंने थानों पे चेक पोस्टों पे हर जगह पे हमला करना शुरू कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्हें कब्जे से रोकना किसने था? फौज ने। फौज ने कोई रेजिस्टेंस नहीं की क्योंकि प्रिंस लिवोव ने दूसरी दफा लियोन ट्रॉट्स्की की पीठ में छुरा घोंपा था, तो फौज की रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस ना होने की वजह से बोल्शेविक्स ने बगैर किसी खून खराबे के पूरे मुल्क के अंदर कब्जा कर लिया और लेनिन ने अपने आप को पूरे के पूरे रशिया के लीडरशिप के लीडर के तौर पर ऐलान कर दिया। इस पूरे के पूरे इवेंट को कहते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन। बच्चों को चस आई पूरी कहानी की या नहीं आई? ठीक है, अब मेरे बहनों भाइयों, हर जमहूरी का ये मसला होता है, कि वो डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है और हर डिक्टेटर का ये मसला होता है कि वो जमहूरी बनने की कोशिश करता है। मियां साहब हमेशा डिक्टेटर बनने की कोशिश करते रहे, अयूब खान और मुशर्रफ हमेशा जमहूरी बनने की कोशिश करते रहे। अब सुल्तान लेनिन अक्टूबर के अंदर
लेनिन अक्टूबर के अंदर पूरे के पूरे रशिया का हेड ऑफ स्टेट बन गया। उसने रशिया के अंदर थ्रू रेवोल्यूशन हुकूमत पे कब्जा कर लिया। लेकिन सुल्तान ठीक है सर पे चढ़ी हुई थी, उसने कहा नहीं नहीं मैं अपने इक्तदार को लेजिटिमेट करूंगा। तो उसने पेट्रोग्रेड के अंदर बैठ के एक पॉलिसी दी, और वो पॉलिसी ये दी कि भाई मुझे हालात की वजह से कब्जा करना पड़ा, लेकिन मैं रशियन अवाम के ऊपर गासिब नहीं बनना चाहता, मैं रशियन अवाम की मदद से इक्तदार में बैठना चाहता। तो उसने ऐलान क्या किया, उसने ऐलान ये किया कि हम नवंबर का इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, और नवंबर के इलेक्शन के अंदर हम लोग फॉर्मली कंपीट करेंगे। ठीक हो गया। तो सैमा नवंबर का इलेक्शन एज पर प्लान कंडक्ट करने का उसने ऐलान कर दिया। लेकिन अब क्या होता है, ज़ार्स, मेंशेविक्स, कैपिटलिस्ट, ठीक है, आर्मी के कुछ फैक्शंस, ठीक है, अमेरिका और जर्मनी की बैकिंग से पैसे से मिलके इलेक्शन लड़ती हैं। और लेनिन बड़ी तसल्ली से बैठा हुआ है कि जब डब्बे खुलेंगे तो डब्बे से निकलेगा ठप्पे पे ठप्पा बल्ले पे ठप्पा, लेकिन जब बल्ले ठीक है जब खुला पूरे का पूरा वोट बैंक 2013 के इलेक्शन का, तो अंदर से निकला शेर 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 शेर। ठीक हो गया। शदीद किस्म की बाहर के पैसे से, ठीक हो गया, हकूमती मशीनरी के कंट्रोल से, ठीक है, बोल्शेविक्स के खिलाफ धांधली करवाई गई, और बोल्शेविक्स पूरे मुल्क से सिर्फ 25% वोट ले सके। ये जेन्युइन धांधली थी। ठीक हो गया। अब जब ये धांधली हुई तो भाई बोल्शेविक तो लेनिन तो पहले ही इक्तदार में बैठा हुआ था, ठीक है, उसके साथ इलेक्शन में हो गया चूना, तो उसने वहां पे एक बार फिर पॉपुलिस्ट नारा लगाया, उसके अंदर का डिक्टेटर एक बार फिर जागा जीजा बेटा, और उसने कहा कि पहली दफा आम आदमी इक्तदार में आया था, पहली दफा आम आदमी इक्तदार में आया था, उसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करने की कोशिश की, और ये फिर ताकतवर लोग हमारे दुश्मनों की मदद से लॉबिंग करके इक्तदार में आ गए। उसने इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से इनकार किया, एक ऑल रशिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमीशन बनाया, अपनी एक खुफिया फौज बनाई चीका, जिसके जरिए उसने सारे के सारे नॉन बोल्शेविक लीडर्स को पकड़ना शुरू किया, मार डाट शुरू की, कत्लो गारत शुरू की, चीका ने चीके निकलवा दी, और उसने फॉर्मली 5 जनवरी 1918 को पूरे के पूरे मुल्क में अपनी डिक्टेटरशिप का ऐलान कर दिया। यहां तक कहानी समझ आई। यानी डिक्टेटर वो वांटेड टू गेट लेजिटिमेसी ऑफ वोट अगेन, ठीक है, गॉट बैक टू द डिक्टेटोरियल मेजर्स, और उसने 1918 के अंदर दोबारा अपनी डिक्टेटोरियल रिजीम एस्टेब्लिश कर दी। यहां तक मेरे बच्चों को बात क्लियर होगी। ठीक, अब मेरा बच्चा कानिजा समझेगा, अनिजा कानिजा समझिए, ट्रॉट्स्की बोल्शेविक था या मेंशेविक था? बोल्शेविक था, बोल्शेविक था। अब अनवर कहानी जरा समझी, अनिजय कहानी जरा समझी, जैसे ही इसने अपनी डिक्टेटरशिप लॉन्च की, पूरे के पूरे रशिया के अंदर सिविल वॉर छिड़ गई। अब सिविल वॉर में दो साइड्स थी, एक थी रेड आर्मी जो के थी बोल्शेविक आर्मी जिसे लीड कर रहा था ट्रॉट्स्की, ठीक है सैमा, दूसरी साइड पे थी व्हाइट आर्मी जो थी मेंशेविक आर्मी, इसमें ज़ार की बाकियात थी और इसे बैक कर रहा था अमेरिका और जर्मनी, ठीक है। सिविल वॉर छिड़ गई, सिविल वॉर छिड़ गई, ठीक है, सिविल वॉर 4 साल तक चलती रही, रेड आर्मी व्हाइट आर्मी, रेड आर्मी व्हाइट आर्मी, व्हाइट आर्मी को हर तरीके की फॉरेन सपोर्ट हासिल थी,
जर्मनी ने बैक किया, यूके ने बैक किया, अमेरिका ने बैक किया, जार थे इसमें, मेंशेविक थे, पैसा ही पैसा था, लेकिन ट्रॉट्स्की की लीडरशिप की बुनियाद पे, ठीक है, रेड आर्मी 4 साल के अंदर सिविल वॉर जीती और 1923 में पूरे का पूरा रशिया बोल्शेविक आर्मी यानी रेड आर्मी के कंट्रोल में आ गया 1923 में, यानी रेवोल्यूशन आया था निजा बेटा 1917 में, 5 साल तक सिविल वॉर चलती थी अक्रॉस रशिया, ठीक है, और 5 साल के बाद रेड आर्मी जीती। जैसे ही रेड आर्मी जीती तो 1922 के अंदर जैसे ही ये रेड आर्मी जीती है, रेड आर्मी कब जीतती है मेरा बच्चा, 1922 में, तो फॉर्मली लेनिन ने अपने फतह का ऐलान किया और फतह के ऐलान के साथ ही अनीजे इसने एक और ऐलान कर दिया कि रशिया अब रशिया नहीं है, रशिया अब यूएसएसआर है, हम कम्युनिज्म को, ठीक है, रशिया को कन्वर्ट करके कम्युनिस्ट एम्पायर बनाना चाह रहे हैं, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी रशिया के अंडर जितने भी, ठीक है, सोवियत का मतलब होता है काउंसिल, अनीसा सोवियत का मतलब क्या होता है, काउंसिल, यानी रशिया के अंडर, रशिया एक मदर स्टेट होगी, उस मदर स्टेट की बुनियाद पे जितने भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स हैं वो रशिया की अथॉरिटी के अंदर यूनाइटेड होंगी, ये इंडिपेंडेंट काउंसिल्स होंगी, इनकी मदर काउंसिल होगी रशिया, और ये सारी की सारी कम्युनिज्म यानी सोशलिज्म के निजाम के ऊपर इकट्ठी हो जाए। तो इन्होंने बुला लिया सैमा यूएसएसआर। लेकिन कहानी का यहां से एक ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट ये आता है कि इसने खुद तो सोवियत यूनियन को 1923 में यूएसएसआर बना दिया, लेकिन भाई जब कामयाबी मिल रही होती है सैमा तो चढ़ी होती है ना, चढ़ी होती है, तो मेरा बच्चा इसने यूएसएसआर तो बना दिया लेकिन इसने कहा कि पहली दफा गरीब इक्तदार में आया है, पहली दफा आम आदमी इक्तदार में आया है, तो हम बाकी दुनिया के लोगों को, ठीक है, इस अजीमुशान फलसफे से महरूम क्यों रखें, तो इसने कहा कि अब हम कम्युनिज्म का निजाम पूरी दुनिया में फैलाएंगे, हम पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाएंगे, पूरी दुनिया में हम सोशलिज्म के निजाम को प्रमोट करेंगे, और इसने एक पॉलिसी दे दी, वो पॉलिसी क्या थी, कॉमिंटर्न, नाउ दिस इज द टर्न ऑफ कम्युनिज्म to rule the world. Now this is the turn of communism to rule the world. So, abhi tak to Anisa beta mamla sirf Russia tak mehdood tha, lekin jab ye expansionism karega, chhod de wahab is slide ke andar, theek hai, galti hai, jis sequence mein main tujhe bata raha hu us, theek hai, sequence mein chal, chhod de, jo maine sequence bataya wahab wo clear hai na, theek ho gaya. तो इसने एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी दे दी कॉमिंटर्न, नाउ दिस इज द टर्न ऑफ कम्युनिज्म टू रूल द वर्ल्ड, लेकिन वहां एक यहां पे टेक्निकल पॉइंट, इसने ये मिलिट्रिस्टिक एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी नहीं दी वहां, ये बुनियादी तौर पे एक आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी थी, इसने कहा कि हम दुनिया के हर मुल्क की हुकूमत को अप्रोच करेंगे, उन्हें बताएंगे कि कम्युनिज्म का निजाम कितना जबरदस्त है और हम उन्हें कन्विंस करेंगे कि वो अपने मुल्क के निजाम को सोशलिज्म में ट्रांसफॉर्म करे, जो भी हकूमत सोशलिज्म में ट्रांजिशन करना चाहेगी हम उन्हें हर तरह की पॉलिटिकल इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे। तो बुनियादी तौर पर ये एक आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिज्म का फिलोसफर था, वहां लेनिन की पर्सनैलिटी का एक ओरा था, करिश्मा था, बोलता था तो शहर तारी कर देता था, तो उसने अपनी पर्सनैलिटी और क्रिज्मा की बुनियाद पे अपने निजाम को फैलाने का ऐलान कर दिया कॉमिंटर्न। अब इसने दुनिया में अपना निजाम फैलाने की ऐलान तो कर दिया, लेकिन 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 1924 में खुद मर गया। आई होप सो मेरे बच्चों को यहां तक कहानी क्लियर हो। अमित मुझे एक बात बता,
विश्वा मुझे एक बात बता, लेनिन के करीब तरीन कौन सा आदमी होना चाहिए? ट्रॉट्स्की, गुड, शाबाश। इमरान खान के करीब तरीन कौन सा आदमी होने चाहिए? मेरे फुफड़ की डेथ होगी साइमा, जहांगीर तरी। लेकिन राबिया तूने सही डिटेक्ट कर लिया। अब मेरा बच्चा कहानी जरा समझी, विशा कहानी जरा समझी। जब इसने कॉमिंटन की पॉलिसी का ऐलान किया ना, तो इसकी जितनी भी विक्ट्री थी, अगर आप जेन्युइनली देखो, वो लियोन ट्रॉट्स्की की सपोर्ट के बगैर तो इम्पॉसिबल थी, ठीक है। और जो कम्युनिस्ट ठीक है पार्टी थी, उसके अंदर भी ठीक है लेनिन के बाद सबसे सीनियर आदमी ट्रॉट्स्की था। टेक्निकल पॉइंट है, जरा समझिए, मर तो गया ठीक है, तो इसका सक्सेसर नॉर्मली किसे होना चाहिए था? ट्रॉट्स्की को। ऐसा ही है सहमा। लेकिन हुआ यह कि जब इसने कॉमिंटर्न की पॉलिसी दी ना, तो ट्रॉट्स्की और लेनिन के अंदर थोड़े डिफरेंसेस आ गए। ट्रॉट्स्की और लेनिन के अंदर थोड़े डिस्टेंसेस आ गए। क्लियर होगी बात? ट्रॉट्स्की ये कहता था कि जानिए हमने पूरी एम्पायर जीत ली, ये कॉमिंटर्न को छोड़, हम बाकी दुनिया के साथ पंगा नहीं लेते, हम अपना मुल्क स्टेबलाइज करते हैं। जबकि ये तो एक पॉपुलिस्ट लीडर इमर्ज कर चुका था ना, इसने कहा नहीं नहीं पूरी दुनिया को कैप्चर करें। तो राबिया, जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान आ गए डिफरेंसेस। ऑटोमेटिकली इस डिफरेंसेस को शाह महमूद कुरैशी यूज करेगा या नहीं करेगा? और जलो करेगा या नहीं करेगा? तो सुल्तान, लेनिन के फॉलोअर कौन था? लेनिन का सक्सेस, लेनिन के बाद सीनियर मोस्ट था ट्रॉट्स्की, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंसेस आए थे लेनिन और ट्रॉट्स्की के दरमियान दो सालों में, उसको यूज करके एक शरूड आदमी था शाह महमूद कुरैशी, जिसे कहते थे स्टालिन। स्टालिन ने इस वैक्यूम को यूज किया और वो विद इन टू ईयर्स ठीक है, जो पूरी की पूरी सेंट्रल कमेटी थी ना, अच्छा साइमा, जो हेड करता था ना, लेनिन ने अपने आप को पता है क्या डेजिग्नेशन दिया था? जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी ऑफ व्हाट? सेंट्रल कमेटी। यानी जैसे हमारे मुल्क को हेड करता ना प्राइम मिनिस्टर, तो कम्युनिस्ट रशिया को हेड करता था जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी के नीचे जो कमेटी होती थी सेंट्रल कमेटी कहलाती थी, ठीक है, सेंट्रल कमेटी कहलाती थी, ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों, इस सेंट्रल कमेटी के दो विंग्स थे, एक कहलाती थी पोलिट ब्यूरो, एक कहलाती थी आर्गो ब्यूरो। पोलिट ब्यूरो आप ये समझ लो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, यानी एक्सटर्नल अफेयर्स को देखती है। आर्गो ब्यूरो इंटरनल अफेयर्स, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स है। यानी सेंट्रल कमेटी के नीचे दो बॉडीज है, पोलिट ब्यूरो, आर्गो ब्यूरो। तो ट्रॉट्स्की और लेनिन के डिफरेंसेस को इस्तेमाल करके, ठीक है, डिफरेंसेस को इस्तेमाल करके स्टालिन पॉलिट ब्यूरो आर्गो ब्यूरो का मेंबर बन गया, ठीक हो गया। अब साइमा एक टेक्निकल पॉइंट है, वो टेक्निकल पॉइंट जरा समझिए। जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन में सिर्फ वो बंदा खड़ा हो सकता था जो पोलिट ब्यूरो आर्गो ब्यूरो दोनों का मेंबर हो। बात समझ आई? अनवर, ये बात समझ आई? अब साला ट्रॉट्स्की तो सुल्तान वाहिद मेंबर था पोलिट ब्यूरो आर्गो ब्यूरो दोनों का, लेकिन विद इन टू ईयर्स स्टालिन ने अपनी मनूवरिंग के जरिए ठीक है क्लोज होने की वजह से लेनिन के साथ उसने अपने आप को पॉलिट ब्यूरो आर्गो ब्यूरो का मेंबर बनवा लिया। तो जब लेनिन के सक्सेसर की बारी आई, तो ऑटोमेटिकली लोगों ने अपने नाम देने थे कि कौन लेनिन का सक्सेसर बनना चाहता है,
तो लीगल कैंडिडेट्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स सिर्फ दो थे, बियॉन्ड ट्रस्ट की और स्टेलिन, क्योंकि दोनों पॉलिट ब्यूरो और दो ब्यूरो के मेंबर थे। दोनों ने इलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट फाइल किए, पूरे मुल्क के अंदर था कि भाई ट्रस्ट की ही सक्सेसर बनेगा लेनिन का। लेकिन इस भाई ने रातों रात बंदे उठवाए बाय फोर्स, बाय पॉलिटिकल मैनूवरिंग। सुबह जब सेनेट के चेयरमैन के डब्बे खुले तो सेनेट में मेजॉरिटी थी नून लीग की, लेकिन सुबह जब डब्बे खुले तो संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने, ठीक है, लियॉन ट्रॉट्स्की की बजाय स्टालिन बन गया। अब रोबिया आज जाके गूगल करी, स्टालिन को गूगल करी और स्टालिन की तस्वीर देखी, ठीक है, कुछ वीडियोस भी देख ली यूट्यूब पे। राबिया तो एक चीज ऑब्जर्व करेगी, राबिया तो एक चीज ऑब्जर्व करेगी कि जो अभी हमारे आर्मी चीफ की पर्सनैलिटी है और स्टालिन की पर्सनैलिटी है, तुझे ऐसा लगेगा कि ये जनरल बाज स्टालिन नहीं है, ये जनरल बाजवा है। वही हाइट, वही फेस कट, वही पर्सनैलिटी, ठीक है, तुझे बिल्कुल ठीक हो गया, वो सेम मिलेगी। और पॉलिसीज में भी सेम थे, यानी वो बोलते नहीं थे जनरल राहिल शरीफ की तरह, वो बस अंदर खाते मंजी टू डांग फेरा, बस समझ आइए नहीं, ठीक हो गया, क्यों मेरी नौकरी के खिलाफ पड़ा हुआ तासी, ठीक है। अब इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ऑपोजिट थी लेनिन के। लेनिन ठीक है एक ब्ला का ओरेटर था, ये बोलता ही नहीं था। लेनिन एक ब्ला का पॉपुलिस्ट था, ये एक ब्ला का डिक्टेटर था। लेनिन अपनी ठीक है पर्सनैलिटी के ऊपर विन करता था, ये बिल्कुल चुप रहता था। अब स्टालिन को बयक वक्त रशिया की तारीख का कामयाब तरीन और घटिया तरीन आदमी समझा जाता है। स्टालिन को बयक वक्त सोवियत यूनियन की तारीख का कामयाब तरीन और घटिया तरीन आदमी समझा जाता है। ठीक है तासी, कामयाब तरीन कैसे? इसने 1925 से 1940 तक, तासी मेरी जान मेरी बात सुनो, 1925 से 1940 तक 15 साल के अंदर रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर और उसकी इंडस्ट्री इन जनरल को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर बना दिया। आज भी रशिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी मिलिट्री, ठीक है, इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, शायद आपको इस बात का पता हो। 15 सालों में उसने लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड मुल्क को बला की इंडस्ट्री बना दिया, ऐसा ऐसा वेपन बनाया। तुझे शायद तासीर, तेरा तो बैकग्राउंड आर्मी का है ना, ठीक है, तो अगर तू किसी रशियन से मिलना, ठीक है, तो रशियन वाले मजाक उड़ाते हैं अमेरिकन वेपन का, ठीक है। अब अमेरिकन वेपन और रशियन वेपन में बड़ा डिफरेंस है। अमेरिकन वेपन स्मार्ट होगा, लेस वेट का होगा, जबकि रशियन वेपन हैवी होगा, रिजिड होगा, रोबस्ट होगा। एक दफा एक मूवी देख रहा था, उस मूवी का मुझे नाम नहीं याद, ठीक है, तो रशिया और अमेरिका की कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही होती है, तो एक अमेरिकन फौजी आता है, वो नफरत से ना, ठीक है, रशियन टैंक को ठुड्डा मारता है। जैसे ठुड्डा मारता है, ठीक है, तो अपनी टांग पकड़ के बैठ जाता है, इतना बुरा ठुड्डा लगता है, ठीक है, तो आगे रशियन फौजी खड़ा होता है, वो मजाक में अड़के हंस के कहता है ब्लडी दिस इज नॉट अमेरिकन। इसका क्या मतलब है कि वो वेपन इतना मजबूत था कि उसका गोडा टूट गया, उसने कहा ये तुम्हारी तरह लिफाफे का वेपन नहीं है, इसमें रशियन चादर लगी हुई है, बात समझ आई है नहीं? तो इसने 15 सालों में बला किस्म की इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिया। निजा बेटा ये पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। दूसरा काम, इसने 5-year प्लान्स दिए, जिसके जरिए इसने इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, हेल्थ वगैरह वगैरह सब कुछ इसने रिफॉर्म कर दिया, यानी पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। अनीजा अब जरा एक सीक्वेंस है, इसी के 5-year प्लान्स को रेप्लिकेट किया यूब खान ने,
और अयूब खान के 5 ईयर प्लान्स को, ठीक है, अयूब खान के 5 ईयर प्लान्स को दोबारा से कॉपी किया सिंगापुर और मलेशिया में। इसका 5 ईयर प्लान्स का मॉडल एक आउटस्टैंडिंग किस्म का गवर्नेंस का मॉडल था, जिसके जरिए हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन 15 सालों में पूरे के पूरे मुल्क को उठा के कहीं से कहीं ले गया। ठीक हो गया। नंबर 3, इसने लैंड की मद में एक पॉलिसी दी, पॉलिसी ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। पॉलिसी ऑफ कलेक्टिवाइजेशन इसका क्या मतलब है अनीसा? इसने सारे फ्यूडल से जमीन लेके उसे स्टेट की प्रॉपर्टी बना दिया, ठीक है, और जितना भी लैंड से इनकम आती थी वो इक्वली शेयर हो जाती थी सारे के सारे मुल्क के लोगों में। यानी इसने लैंड को, एग्रीकल्चर आउटपुट को कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट बना दिया। क्लियर हो गया राबिया? यानी एक ही गो में अनीजा इसने मुल्क को रिफॉर्म कर दिया। लेकिन दूसरा एंगल क्या, ये हद किस्म का फासिस्ट था, ठीक है, अपने खिलाफ नहीं बोलने देता था, अपने आप को लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट करता था। इसने सारे का सारा मीडिया पार्टीशन कर दिया, ये हद से ज्यादा डिक्टेटोरियल था, ठीक है। जब ये मरा तो पता ये चला कि 6 मिलियन लोगों की डेथ सेंटेंस के ऊपर इसने खुद साइन किए। 9 मिलियन लोग सिर्फ इस जुर्म में, 9 मिलियन लोग कि सिर्फ इस जुर्म में कि वो स्टालिन के खिलाफ बोले, ठीक है, उसने उन्हें गिरफ्तार किया। 7 मिलियन लोगों को, अपोजिशन के लोगों को इन्हें गिरफ्तार किया। 1 मिलियन लोगों की एग्जीक्यूशन करवाई। ठीक हो गया। ये टेरर को टूल बनाता था, अपने आप को ग्लोरीफाई करता था, कोई भी इसके खिलाफ खड़ा होता था भाईजान वो हुंजा की शहर पे चला जाता था राजा। समझ आई या नहीं? तो इसका जो इकोनॉमिक मॉडल था उसने रशिया को उठा दिया। लेकिन दूसरी साइड पे इसका द ग्रेट टेरर इसे एक फासिस्ट लीडर के तौर पे तारीख में लिख पाते हैं। बात समझ आई या नहीं? अब मेरे बहनों का ये हुआ क्या? जी जी, गरीबों का मोदी था जी। अच्छा बेटा, अब हुआ क्या? इसकी पॉलिसी का ये सिंबल है हैमर एंड सिकल। हैमर का क्या मतलब है? दांतरी, किसान का सिंबल ये दांतरी। और सिकल का मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर का सिंबल। इसने क्या दिया? इसने अपना एम्बलम था हैमर एंड सिकल। यानी ये दुनिया का वाइड लीडर था जिसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी दोनों को कंबाइन कर दिया। हैमर समझ रहा है या नहीं समझ रहा? यानी इंडस्ट्रियल आउटपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट दोनों के ऊपर कलेक्टिवाइजेशन और दोनों के रिटर्न इक्वली अवाम में शेयर। बात समझ आई या नहीं? तो इसने हैमर एंड सिकल, यानी इसने अपनी, ठीक है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी दोनों को कंबाइन कर दिया। लेकिन मसला क्या है? मसला ये कि अहमद के इसने, लेनिन ने तो कॉमिंटर्न कहा था ना, थ्रू आइडियोलॉजिकल ऑफरिंग, ठीक है, आइडियोलॉजिकल ऑफरिंग। राफिया, इसने कहा कि भाई मैं सोवियत यूनियन का लीडर हूं, मैं लोगों के सामने क्यों भीख मांगू, ठीक है, कि तुम कम्युनिज्म के निजाम में ट्रांसफॉर्म हो। इसने मिलिट्रिस्टिक एक्सपेंशनिज्म की बात कर दी, ईस्टर्न यूरोप के ऊपर कब्जे करना शुरू किए, मिलिट्री पावर बढ़ाई और इसने एक सोवियत ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया कि बाय फोर्स मैं लोगों को बुलाऊंगा कि मेरे साथ मिलो, जो मेरे साथ मिल जाए वो सोवियत ब्लॉक के लोग हैं, जो मेरे साथ नहीं मिलेंगे वो मेरे दुश्मन है। तो ऑटोमेटिकली भाई फोर्स जब एक्सपेंशनिज्म करेगा तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ तो डिस्प्यूट में आएगा ही आएगा ना, आएगा या नहीं आएगा? ठीक हो गया। तो मेरे बहनों भाइयों, इसकी इस मिलिट्रिस्टिक एक्सपेंशनिज्म की वजह से ये पूरे का पूरा, ठीक है, वेस्ट के साथ डिस्प्यूट में कन्वर्ज होने लगा। हर तरीके से मैंने तुम लोगों को रशियन रेवोल्यूशन और पोस्ट रशियन रेवोल्यूशन कहानी बता दी है। आई होप सो तुम्हारे फिंगर टिप्स के ऊपर क्लियर हो। पांच मिनट की ब्रेक।
जी, और मेरे बहनों भाइयों, हमारा अगला टॉपिक है द ग्रेट डिप्रेशन। हमारा अगला टॉपिक क्या है? द ग्रेट डिप्रेशन। आफिया बेटा, रेफरेंस नोट कर ले, पार्ट टू चैप्टर वन पेज 23-24। पार्ट टू चैप्टर वन पेज 23-24, रेफरेंस नोट कर लिया। अब राफिया बेटा, मेरी बात को जरा समझना, ठीक है? ये टॉपिक हमारे कोर्स में नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर तू ये टॉपिक नहीं करेंगे ना राफिया, तो वर्ल्ड वॉर टू की कॉजेस पूरी नहीं होंगी, और नंबर दो, इवेंट्स की कॉन्टिन्यूटी ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक हो गया? तो मैं ये ग्रेट डिप्रेशन तुझे, ठीक है साइमा बेटा, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, लेकिन ये इवेंट्स की कॉन्टिन्यूटी के तौर पे ना मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने लगा, ठीक है राफिया? तो तूने सिर्फ इस फिनोमिना को समझना है कि ये साला फिनोमिना चल कैसे रहा, ठीक है? देखो, मेरी बात जरा समझनी है, 5 मिनट लगेंगे शिजा, पूरी कहानी समझ आ जाएगी। देख, वर्ल्ड वॉर वन में डिफीट हुई जर्मनी को, तो जो आर्मिस्टिक मुआयदा हुआ ना, जो अमन मुआयदा हुआ, उसमें एक मुआयदा था, उस मुआयदे को कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सायलेस। जो वर्ल्ड वॉर वन का अमन मुआयदा हुआ, उस मुआयदे को क्या कहते हैं अनीसा बेटा? उस मुआयदे को कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सायलेस, ठीक है? ट्रीटी ऑफ वर्सायलेस के अंदर साइमा, ठीक है, जर्मनी के ऊपर वर्ल्ड वॉर वन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई, ठीक है? और अमन मुआहदे के अंदर, ठीक है, तीन चार सिग्निफिकेंट बातें थी। एक सिग्निफिकेंट बात यह थी कि जर्मनी अपने पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को डेमोक्रेसी पे शेप करेगा, पूरे के पूरे, ठीक है, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को डेमोक्रेसी पे शेप करेगा, यानी वो कभी भी कोई डिक्टेटोरियल रिजीम एस्टेब्लिश नहीं होने देगा, जैसे कि हिटलर, जैसे कि, ठीक है, विलियम काइजर था, नंबर एक। नंबर दो, ठीक है, जर्मनी को कहा गया कि तुम कभी भी दोबारा एक एरिया था राइनलैंड, उसे मिलिट्राइज नहीं करोगे, कभी भी अपनी एयरफोर्स आर्मी और नेवी नहीं खड़ी करोगे। तीसरा चीज क्या थी कि तुम अपनी इकोनॉमी को इकोनॉमिक लिबरलिज्म यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिज्म रखोगे। और चौथी चीज कि तुम वॉर के हर जाने के तौर पे हर 4 साल के बाद, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर एक वॉर फाइनेंशियल पेनल्टी पे करोगे। अनीसा बेटा, बात क्लियर होगी? फाइनेंशियल पेनल्टी देनी है, लिबरलिज्म रखना है, डेमोक्रेसी रखनी है, ठीक है, राइनलैंड को दोबारा मिलिट्राइज नहीं करना, ठीक है शीजा? पूरी की पूरी जर्मनी की इकोनॉमी तो वर्ल्ड वॉर वन में तबाह हो चुकी थी, तो उसने कहा कि यार हम इतनी फाइनेंशियल पेनल्टीज हैवी किस्म की कैसे करें, ठीक है, हम इतनी हैवी किस्म की फाइनेंशियल पेनल्टीज कैसे पे करेंगे? साइमा बेटा, विक्टर्स और लूजर्स के दरमियान, लूजर था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और विक्टर्स थे जर्मनी, यूके, यूएसए और आप लोगों का फ्रांस। अब समझ आ गई कि इनके दरमियान हुई, जर्मनी और विक्टर्स के दरमियान, यानी यूएसए, यूके और फ्रांस के दरमियान। अब जर्मनी ने कहा कि यार हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है राफिया, तो हम लोग इतनी हैवी फाइनेंशियल पेनल्टी कैसे पे करेंगे, ठीक है? तो यूएसए ने उन्हें डिपेंडेंसी सिंड्रोम में लाने की कोशिश की। डिपेंडेंसी थ्योरी याद करो राफिया, उन्होंने कहा कि यार हम लोग जब भी तुम्हारी वॉर पेनल्टी की इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, हम तुम्हें, ठीक है, सॉफ्ट कर्जे दे देंगे, लेकिन एक शर्त पे। वो शर्त ये है कि हम लोग, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो तुम्हारी तो इंडस्ट्री नहीं है, तो तुम अमेरिका की प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करोगे, अमेरिका की प्रोडक्ट्स को साइमा इंपोर्ट करोगे, पॉइंट नंबर वन।
पॉइंट नंबर टू, साइमा आज की क्लास में अल्लाह की कसम तूने मुझे बड़ा तंग किया, ठीक है, तुम लोग हमारी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करोगे, और नंबर दो अमेरिकन प्रोडक्ट्स को जर्मन मार्केट के अंदर फ्री एक्सेस दोगे, ठीक है राफिया? राफिया ये बात समझ आ गई? अमेरिकन प्रोडक्ट को जर्मन मार्केट में फ्री एक्सेस दोगे, नंबर दो, ठीक है, हम तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स देंगे, और नंबर तीन ये कि तुम्हारी करेंसी को ज्यादा डीवैल्यू होने से बचाने के लिए हम तुम्हारे स्टेट बैंक के अंदर कुछ डॉलर्स रखवाएंगे जो तुम यूज नहीं कर सकते। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ मुआहदा याद कर लो, जो तुम यूज नहीं कर सकते वो सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए अपने रिजर्व्स में मेंटेन रखो, ठीक है। अब जर्मनी की तो इंडस्ट्री नहीं थी, तो हुआ क्या कि जर्मनी ने अपने मुल्क के अंदर अमेरिकन प्रोडक्ट्स को फ्री एक्सेस दे दी, जिसकी बुनियाद पे अमेरिका के प्रोडक्ट्स की डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ गई इन जनरल, और जर्मनी में बहुत ज्यादा बढ़ गई इन पर्टिकुलर। शिजा बेटा यहां तक कहानी समझ आई या नहीं? और इस ट्रेंड की वजह से होता यह है कि यूएसए के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुई, और लोगों ने धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन करना शुरू कर दी कि ये प्रोडक्ट सारी की सारी एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो वॉल स्ट्रीट जो कि स्टॉक एक्सचेंज थी अनीजा यूएसए की, आज भी स्टॉक एक्सचेंज है वॉल स्ट्रीट यूएसए की, वहां पे स्पेकुलेशन चलना शुरू हो गई कि जी डिमांड बढ़ी है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। अब समय बेटा यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब हुआ ये कि यूएसए के अंदर ओवर प्रोडक्शन हुई, ओवर इन्वेस्टमेंट हुई, और आहिस्ता आहिस्ता होना ये शुरू हुआ कि डिमांड सप्लाई साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। अमेरिका के अंदर जितनी प्रोडक्शन हो रही थी उस स्पीड से जर्मनी और यूरोप के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं थी। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? समय बेटा यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। जिस स्पीड से अमेरिका में प्रोडक्शन हो रही थी उस स्पीड से यूरोप में डिमांड नहीं आई, स्पेकुलेटिव मार्केट थी पूरी की पूरी स्टॉक एक्सचेंज। तो अचानक जब डिमांड खत्म हुई, डिमांड कम हुई, प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, तो अमेरिकन वेयर हाउसेस भर गए। अब इन्वेस्टर ने तो ऑटोमेटिकली पैसा बैंकों से उठाया होगा ना, अमेरिका ने तो ऑटोमेटिकली पैसा बैंकों से उठाया होगा, और उन्होंने बैंकों को वापस करना है। वापस कैसे करना है? थ्रू एक्सपोर्ट्स। लेकिन एक्सपोर्ट्स तो उस स्पीड से हो ही नहीं रही जिस स्पीड से प्रोडक्शन हो रही है। तो अचानक, ठीक है, अमेरिकन कंपनियां डिफॉल्ट करती गई। वो डिफॉल्ट करते 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 ऐसे हुआ कि अक्टूबर 1929 के अंदर पूरे की पूरी अमेरिकन इकॉनमी क्रैश कर गई। बच्चों यहां तक कहानी समझ आ गई? पूरी की पूरी अमेरिकन इकॉनमी क्रैश कर गई। ठीक है, अब राफिया जब अमेरिकन इकॉनमी ने क्रैश किया तो ऑटोमेटिकली अमेरिका की बिजनेसमैन ने पैसा वापस तो करना था ना बैंकों को, लेकिन पैसा तो अवेलेबल ही नहीं था। सोने पे सुहागा क्या हुआ कि जिस टाइम ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ अक्टूबर 1929 आया, तभी जर्मनी का वॉर पेनल्टी की इंस्टॉलमेंट ड्यू थी। इन्होंने अमेरिका को कहा कि जानी मुझे पैसे दे। उन्होंने कहा कोते के पुत्रों हम कहां से पैसा दें, हमारी अपनी इकोनॉमी क्रैश कर गई है। तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट भी रोक ली। ऊपर से सोने पे सुहागा राफिया बेटा कि जितने पैसे जर्मनी के बैंक्स के अंदर उन्होंने फिक्स्ड रिजर्व के तौर पे रखे हुए थे, वो सारे के सारे डॉलर, ठीक है, अपने बैंकों को वापस करने के लिए उन्होंने विड्रॉ कर लिए। जब विड्रॉ किए तो अचानक जर्मनी की पूरी की पूरी इकॉनमी फ्री फॉल पे चली गई। यूरोप की पूरी इकॉनमी फ्री फॉल पे चली गई।
शदीद किस्म का पूरे के पूरे यूरोप के अंदर रिसेशन आया, शदीद किस्म का रिसेशन आया, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे, इन्फ्लेशन पीक पे। जैसे ही इन्फ्लेशन पीक पे गई ना, तो पूरे का पूरा यूरोप इन जर्नल और जर्मनी इन प्रैक्टिकल, वहां पे यह सेंटीमेंट आया कि अमेरिका वाले कैपिटलिस्ट गिद्ध हैं, बल्कि राजा गिद्ध हैं, इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया, इन्होंने एक बार फिर हमें बीच भंवर में छोड़ दिया। तो अचानक जर्मनी के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट चलना शुरू कर दी, रोटी कपड़ा और मकान की मूवमेंट चलना शुरू कर दिया। अब राफिया बेटा कहानी जरा समझी, अमेरिका का दगा एक साइड पे, तो साइड पे ईस्ट से तो उन्हें धीमी धीमी हवाएं आ रही थी रोटी कपड़ा और मकान की, तो सोशलिस्ट इनकलाब, सोशलिस्ट मूवमेंट पूरे के पूरे यूरोप में आना शुरू हो गई। तो यूरोप ग्लोबलाइजेशन के पैरामीटर से निकल के एक बार फिर नेशनलिज्म के पैरामीटर में प्लग इन होना शुरू हो गया। तो अब ये समझ आ गई कि इकोनॉमिक रीजनिंग क्यों थी कि जिसकी वजह से राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, राइज ऑफ कम्युनिज्म हुआ, ठीक है, कैसे यूरोप के अंदर अमेरिका के खिलाफ एक बार फिर नफरत बढ़ी और कम्युनिज्म के बारे में, सोशलिज्म के बारे में फिर से मोहब्बत बढ़ी, और वहां पे हिटलर जैसे, मुसोलिनी जैसे नेशनलिस्ट लीडर को अरूज मिला। बच्चों पूरी कहानी समझ आ गई। अब उस टाइम के ग्रेट डिप्रेशन को आज की एनवायरनमेंट के साथ कोरिलेट कर लो कि कैसे ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रही है और नेशनलिज्म को रूम मिल रहा है, ठीक है। तो वन लाइनर, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में अमेरिका की गलत पॉलिसियों की वजह से यूरोप के इकोनॉमिक क्राइसिस ने वहां पे फार राइट और सोशलिस्ट मूवमेंट्स को हवा दे दी, और यूके फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ एक बार फिर नफरत को प्रोवोक कर दिया, और वहां पे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अपनी पीक पे जाना शुरू हो गया। आई होप समझ बच्चों को पूरी की पूरी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और उसका इंपैक्ट टुवर्ड्स हेटेड ऑफ यूरोपियन जर्मन्स, ठीक है, एंड इटालियंस टुवर्ड्स, ठीक है, यूके, यूएसए और फ्रांस कैसे एस्टेब्लिश हुआ, ये पॉइंट समझ आ गया बच्चों। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन समझ आ गया। मेरे बहनों भाइयों, हमारा अगला फलसफा है फासिज्म का, हमारा अगला फलसफा है फासिज्म का, पार्ट टू, चैप्टर वन, पेज 29-34, पार्ट टू, चैप्टर वन, पेज 29-34। ठीक है बच्चों, फासिज्म शुरू करें। अच्छा शीजा एक पॉइंट नोट करें, इमरान खान मोदी को बार बार क्या बोलता है, फासिस्ट, ऐसा ही है। तो राफिया, ये फासिज्म के टॉपिक में ना तूने अपने जहन के बैकग्राउंड के अंदर रखना है कि फासिज्म क्या है और इंडिया में फासिज्म कैसे है। तो पैरेलल में ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाना है कि वहां पे फासिज्म क्या है, यहां पे फासिज्म क्या है। क्लियर होगी बात अनिशा, ठीक हो गया। अब राफिया साथ साथ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती जाए मेरा बच्चा। अब सबसे पहले फासिज्म होता क्या है, फासिज्म एक रेडिकल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म, आई होप सो ये समझाने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी रिजीम होती है जो स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन लीडरशिप के सेंटर्ड होती है, लेनिन, स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी, ठीक है, सदाम, ठीक है, कजाफी, मोदी, और ये बुनियादी तौर पे कलेक्टिव क्लासलेस सोसाइटी की तरफ जाती है। और कैसे जाती है, ये माइनॉरिटी ग्रुप्स को एलिमिनेट करती है और मेजॉरिटी ग्रुप्स की
साथ रेशियल एलिजेंस को प्रमोट करती है, यहां पे लिख ले ठीक है, हिंदू तवा। समझ आ गया शिजा बेट राफिया, समझ आ गया ये? यानी आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म होगी, रेडिकल नेशनलिज्म होगी, रेशियल एलिजेंस होगी, ठीक है, जैसे आजकल हिंदू तवा है, और क्लासलेस अथॉरिटेरियन रिजीम होगी, यानी एक लीडर होगा वो टोटलिटेरियन कंट्रोल रखेगा, वो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करेगा, वो मुल्क के अंदर मार्केट के अंदर डायरेक्ट इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म को प्रमोट करेगा, वो जीनोफोबिया को प्रमोट करेगा, जैसे मोदी इस टाइम पाकिस्तान के खिलाफ जीनोफोबिया को प्रमोट कर रहा है, रिलीजियस नेशनलिज्म ऑन द नेम ऑफ हिंदुत्व प्रमोट कर रहा है, इकोनॉमिक सोशलिज्म डायरेक्टली नहीं कर रहा लेकिन इनडायरेक्टली वो एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहा है, और टोटलिटेरियन रिजीम वो माइनॉरिटीज को डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करके डिक्टेटोरियल पॉलिसीज लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जिस भी रिजीम में टोटलिटेरियनिज्म होगा, इकोनॉमिक सोशलिज्म होगी, एक्सट्रीम नेशनलिज्म होगी, जीनोफोबिया होगा, ठीक है, काइंड ऑफ राफिया, काइंड ऑफ, ठीक है। ऐसे रिजीम को क्या कहा जाता है? फासिज्म। आई होप सो मेरे बच्चों को बात क्लियर होगी। टोटलिटेरियनिज्म, टोटल कंट्रोल, नो पावर शेयरिंग, टोटल कंट्रोल, नो पावर शेयरिंग, ठीक है सुल्तान, यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक। अब मेरे बहनों भाइयों, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान जो साइमा बेटा दो फासिस्ट रिजीम आई, उनमें एक थी इटली मसलूनी, नेशनल फासिस्ट पार्टी ऑफ इटली, जिसे लीड करता था मसलूनी, और दूसरा लीडर था, जी अब आवाज आ रही है, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान मेरे प्यारे बहनों भाइयों अनीजा बेटा, दो की किस्म की फासिस्ट रजीम आई, एक आई इटली में, एक आई जर्मनी में। इटली वाली को लीड करता था मसलूनी, और जर्मनी वाली को लीड करता था हिटलर। मसलूनी की पार्टी का नाम था नेशनल फासिस्ट पार्टी, और जर्मनी हिटलर की पार्टी का नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, जिसे बाद में नाजी पार्टी का नाम दिया गया, जिसे बाद में नाजी पार्टी का नाम दिया गया। या ये डिस्टॉर्शन का मसला सिर्फ साइमा और सुल्तान को आ रहा है या सबको आ रहा है? ठीक हो गया सुल्तान, अपने नेट कनेक्शन का कुछ कर, ठीक हो गया मेरा बच्चा, ठीक। फैजान बात समझ आ गई कि यूरोप के अंदर दो मेन फासिस्ट रजीम आई, एक फासिस्ट रजीम आई मसलूनी इटली, और एक फासिस्ट रजीम आई ठीक है हिटलर। आई होप सो फैजान की बात मेरी समझ आ गई। अब फैजान मैं पहले तुझे समझा देता हूं कि इटली की फासिज्म क्या था, ठीक है, प्लीज फैजान, ये थोड़ी सी गुंजलदार बात है, इस बात को जरा समझे, गुंजलदार बात है, थोड़ी सी बात को जरा समझे, ठीक है फैजान, मेरी जान मेरे साथ कनेक्टेड है। फैजान वर्ल्ड वॉर वन से पहले एक अलायंस बना था जिसका नाम था ट्रिपल अलायंस, ठीक है फैजान, ट्रिपल अलायंस में तीन मुल्क शामिल थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ठीक फैजान। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन से मुल्क शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ठीक फैजान। इनके खिलाफ एक अलायंस बना जिसे कहते हैं ट्रिपल इतांत, ठीक है, इनके खिलाफ जो अलायंस बना उसे क्या कहते हैं? ट्रिपल इतांत, ENTENTE। ट्रिपल इतांत में कौन थे? यूके, फ्रांस
और रशिया। इटली किसके साथ था? जर्मनी के साथ। फिजान बेटा मेरी बात ये समझ आ गई? लेकिन जब वॉर शुरू हुई ना, ठीक है, तो यूके और फ्रांस की लीडरशिप ने इटली की लीडरशिप को कन्विंस किया राफिया कि तुम लोग जर्मनी का साथ देने की बजाय हमारा साथ दो, जर्मनी ये जंग नहीं जीत सकता, हम ये जंग जीतेंगे, और अगर ये हम जंग जीत गए तो हम तुम्हें कंपनसेशन के तौर पे इतना पैसा और जो जर्मनी के टेरिटरीज कैप्चर होंगे उनमें से कुछ टेरिटरीज देंगे। तो इटली ने मुआयदा किया जर्मनी के साथ, लेकिन जब वक्त आया तो जर्मनी की पीठ में छुरा घोंप के उसने ट्रिपल एंटांट का साथ दिया। राफिया यहां तक कहानी मेरे बेटे को समझ आ गई? यहां तक कहानी समझ आ गई? अब राफिया बेटा अगली बात समझी। अब हुआ ये कि जब ट्रीटी ऑफ वर्सायलस हुई ना, तो इटली वालों ने कहा जानी मेरा हिस्सा, ठीक है, तो यूके और फ्रांस ने दिखा दिया ठेंगा, और जितनी भी कमिटमेंट्स थी उनमें से मेजॉरिटी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया। यहां तक बात क्लियर? अब शिजा बेटा, इटली ने वर्ल्ड वॉर वन के दौरान अपनी पूरी मिलिट्री को तबाह कर लिया, अपनी पूरी इकोनॉमी को तबाह कर लिया, अपने पूरे पॉलिटिकल फैब्रिक को तबाह कर लिया, ठीक हो गया, और आखिर में मिला ठेंगा, यार भी गया, वादा भी गया, 2% की औरत ने 50 लाख रुपए के लिए, ठीक है, मियां भी गवाया, ठीक है, और पैसे भी हाथ में नहीं आए, ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ठीक है अनीजा बेटा, धोखा भी तो करतूत के पीछे होता है ना, ठीक है। अच्छा यहां तक बात समझ आ गई? अब अनीजे आगे मेरे बच्चा मेरी बात जरा समझे। राफिया, इटली को धोखा हो गया, लेकिन इटली इस मिस एडवेंचर में अपने पूरे मुल्क को तबाह कर बैठा। जैसे ही तबाह कर बैठा तो मेरे बहनों भाइयों, ऑटोमेटिकली रशिया में नेशनलिज्म आनी थी, एंटी वेस्ट आना था ना, एक नेचुरल सी चीज थी, ठीक है, रेडिकल थॉट आनी थी। तो राफिया मेरा बच्चा, एक साहब थे जिनका नाम था मसलूनी, जो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर इटालियन फौज के एक ऑफिसर थे, ठीक है, उन्होंने पूरे का पूरा इल्जाम, ठीक है, किंग विक्टर अमैनुअल पे लगा दिया। उसने कहा कि ये कमीना आदमी है, ये घटिया आदमी है, इसने यूके यूएसए से बारों बार पैसा पकड़ लिया, इसने दूसरे मुल्कों में अपनी प्रॉपर्टी बना ली, लेकिन इसकी बगैरती की वजह से पूरी की पूरी इटालियन कौम ने सफर किया, पूरी की पूरी इटली ने अपनी साख गवाई, अपना इतिहादी भी, ठीक है, अपना इतिहादी भी इसने पूरे का पूरा गवाया, और इसकी वजह से हम लोगों ने अपने आप को हर तरीके से वल्नरेबल भी कर दिया। तो मुसोलिनी ने, ठीक है, एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट चलाना शुरू की अगेंस्ट किंग विक्टर, जो कि किंग था इटली का। कामिल यहां तक बात समझ आ गई? अब
इस पॉपुलिस्ट मूवमेंट की बुनियाद पे इसने अपनी एक सिंबल बनाया जिसे कहते हैं फासिस्ट। ठीक है साइमा बेटा, फासिस्ट, फासिस्ट का सिंबल तू ऐसे समझ साइमा कि तूने अक्सर का देखा होगा जो रोड के ऊपर मसवाक बेच रहे होते हैं, तो उन्होंने वो एक गोल से बंडल में ना मसवाकें स्टैक की होती है, ऐसे मसवाकें स्टैक की होती है ना। तो बुनियादी तौर पे ये फासिस्ट का सिंबल था कि लकड़ियां इकट्ठी एक जत्थे में बंधी हुई हैं। तो राफिया इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या था, यूनिटी, फोर्स ऑफ यूनिटी, के सारे के सारे अटैनियन लोग ठीक है यूनाइट हों इस फ्रंट के ऊपर और इनकी यूनिटी की फोर्स इस जैसे ठीक है करप्ट रिजीम से हमें छुटकारा दिलाएं। तो इसने फासिस्ट का एक सिंबॉलिक एलिमेंट बनाया और उस मद में अपनी एक टाइगर फोर्स बनाई जिसे कहते हैं ब्लैक शर्ट। ब्लैक शर्ट एक यूथ की फोर्स थी जो बुनियादी तौर पे बाय फोर्स ऑपरेट करती थी, यानी डंडा बरदार ग्रुप था। यहां तक बात समझ आ गई साइमा? राफिया यहां तक बात समझ आ गई? अब साइमा इसने क्या किया मेरा बच्चा, इसने इस पॉपुलिस्ट थीम की बुनियाद पे ना राफिया, इसने इस पॉपुलिस्ट थीम की बुनियाद पे इसने कहा कि हम लोग मार्च करेंगे रोम की तरफ। ठीक है मियां साहब ने ऐलान किया कि हम मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ और हम जजों को बहाल कराएंगे, तो इसने ऐलान किया कि मैं रोम की तरफ मार्च करूंगा। ठीक है और मैं वहां पे बाई फोर्स किंग विक्टर इमैनुअल को फारिग करके एक फासिस्ट रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है राफिया, अब मियां साहब निकले लाहौर से जजों को रिहा करवाने के लिए, तो अभी गुजरांवाला में बैठ के चिड़े और तिक्के फाड़ रहे थे, तो उन्हें किंग विक्टर इमैनुअल की तरफ से कॉल आई कि जानी टेंशन क्यों लेता है, तो इधर आ, हम पावर शेयरिंग करते हैं, मैं तुझे अपना प्राइम मिनिस्टर बनाता हूं, तू भी प्राइम मिनिस्टर बन और तू प्राइम मिनिस्टर बन के इक्तदार के मजले। राफिया मियां साहब को जैसे ही ये पैगाम पहुंचा तो मसलूनी ने अपने लोगों को कहा कि इमरान खान ने अपना इस्तीफा मुझे ईमेल कर दिया है, तो मैं जा रहा हूं, ठीक है मैं जा रहा हूं इक्तदार करने, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं, इनकलाब पूरा हुआ, तुम अपने अपने घरों में चले जाओ। बात समझ आई या नहीं? अब मेरे बहनों भाइयों वो इस तरीके से बन गया प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने रॉयल पैलेस के अंदर बैठ के मनूवरिंग की, ठीक है अपनी ग्रिप को स्ट्रांग किया, फौज को अपने साथ मिलाया। ठीक है 1925 में उसका इनकलाब आया था, वो प्रीमियर बना था। साइमा बेटा उसने सोचा कि साला अभी मेरा लॉन्ग मार्च लाहौर से गुजरांवाला पहुंचा था, अभी मेरा लॉन्ग मार्च लाहौर से गुजरांवाला पहुंचा था तो मैं प्रीमियर बन गया, अगर ये गुजर खान पहुंच जाता तो मैंने तो किंग बन जाना था। तो साइमा एक साल प्रीमियर रहने के बाद, साइमा तू आज होश में तो है ना? ठीक है पुत्र, नेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से पूरी क्लास में मैं अपने थीम से डिस्कनेक्ट हो रहा हूं बाबा। ठीक हो गया? तो मेरा बच्चा हुआ क्या, अब सॉरी कह के ना ये मनहूस मस्कीन शक्ल बना के ना मुझे और सेंटिमेंटल ना कर, ठीक है मैं टेम्पो में शुरू होने लगता हूं तो बीच में सर ये मसलून ही था, नहीं मेरा फूफी का पुत्र था। अब आगे से मस्कीन शक्लें बना के सॉरी 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 का भी निकाह हो गया है जल्दी लगनी। ठीक है अब इधर ध्यान कर सही में, अब इधर ध्यान कर मेरा बच्चा, ठीक है अब इधर ध्यान कर। ठीक अब हुआ ये राफिया कि इसने सोचा कि साला मुझे अभी गुजरांवाला पहुंचा था तो मुझे मिल गया इक्तदार, प्रीमियरशिप मिल गई, मैं अगर गुजरगान पहुंच जाता तो मैंने तो ठीक है किंग बन जाना था।
तो इसने रॉयल पैलेस में बैठे बैठे दोबारा मूवमेंट शुरू की कि पहले तो मैं इक्तदार के बाहर था, अब मैंने इक्तदार में बैठ के देखा है कि ये वाकई करप्ट हैं, इनकी बाहर वाकई ही ठीक है, इनकी बाहर वाकई ही ठीक है एफिलिएशंस हैं, ये करप्ट हैं ठीक है, तो मैं और ये मुझे भी इटालियन कौम के इंटरेस्ट के खिलाफ कहते हैं कि तुम भी करप्शन करो, तुम भी हमारे साथ मिलो, मैं अपनी अवाम के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता शीजा। अब उसने ये रॉयल पैलेस में बैठे बैठे ये पापुलिस नारा लगाया, फौजी था, फौज उसके साथ थी, तो इस पापुलिस नारे को बेस बना के उसने कूप अटेम्प्ट की, कूप अटेम्प्ट की बुनियाद पे उसने रॉयल फैमिली को भगाया, और रॉयल फैमिली को भगा के उसने पूरे के पूरे मुल्क के अंदर अपनी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर दी। आई होप सो मेरे बच्चों को यहां तक बात समझ आ गई। रुखसार अपना कैमरा बंद करो, रुखसार अपना कैमरा बंद कर, मलंगनी यहां तक बात क्लियर ठीक है। अब राजा बेटा, जब उसने देख, जो भी एक पॉपुलिस्ट लीडर होता है ना, वो फिर बड़े कमाल किस्म के टैक्टिक्स करता है। अब आगे जरा समझो, अब उसने पूरे के पूरे मीडिया ब्लैकआउट, पॉलिटिकल पार्टीज ब्लैकआउट, प्रेस ब्लैकआउट, ऑपोजिशन ब्लैकआउट ठीक है, उसने शदीद किस्म की टोटलिटेरियन अप्रोच एस्टेब्लिश करना शुरू कर दी, और उसने एक खुफिया फोर्स बनाई जिसका नाम था ओबरा। उसका नाम क्या था? एक ऑर्गेनाइजेशनल फोर्स बनाई जिसका नाम था ओबरा। कोई भी बंदा स्टेट के खिलाफ बोलता था, कोई भी बंदा स्टेट के खिलाफ बोलता था तो ये उसको कत्लेआम करवा देता था। ऑपोजिशन की इजाजत नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टीज की इजाजत नहीं थी, स्टेट के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं थी। अब साइमा, कोई भी पॉपुलिस्ट लीडर अपनी रिजीम को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ पॉपुलिस्ट मेयर्स लेता है, तो इसने क्या किया? एक तो इसने मीडिया को अपने कंट्रोल में लेके इसने प्रोपोगेंडा करना शुरू कर दिया, अपने आप को लीडर के तौर पे प्रेजेंट करवाना शुरू कर दिया। नंबर दो शीजा, आज भी तू जानती होगी, इतनी सी तुझे अवेयरनेस है ठीक है, यूरोप के जिस मुल्क में अभी भी रूरल सेटलमेंट ज्यादा है ना एज कंपेयर टू अर्बन सेटलमेंट, वो है इटली। इटली बुनियादी तौर पे, इटली के लोग बुनियादी तौर पे रूरल सेटलमेंट में रहते हैं, वो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को पसंद करते हैं वगैरह वगैरह ठीक है नीजा ठीक है। तो मेरा बच्चा, फिर इसने एटीट्यूड क्यों अडॉप्ट किया? इसने ट्रेडिशनल सोशलिस्ट एटीट्यूड इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल सैमा बेटा, वहां पे औरत की नौकरी को अच्छा नहीं समझा जाता, वहां पे ज्वाइंट फैमिली को अच्छा समझा जाता है ठीक है, वहां पे ज्वाइंट फैमिली को अच्छा समझा जाता है ठीक है, वहां पे वैल्यूज को अच्छा समझा जाता है। तो मियां साहब वाले, इसने ट्रेडिशनली सोशल एटीट्यूड अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, वैल्यूज कल्चर, मर्द की हुक्मरानी वगैरह 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 ठीक है। तो इमरान खान यहूदी एजेंट है, उसके जलसों में औरतें नाचती हैं ठीक हो गया, ये यहूदी एजेंट है, ये मुल्क की वैल्यूज खराब करना चाहता है, बहनें जलसों में क्या कर रही हैं जो तेरी बेटी आजकल कर रही है ठीक हो गया, हमारे बाबे गांव में उनके पास इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है ठीक है, कि मियां साहब इकदार वाले हैं, मियां साहब वैल्यूज वाले हैं ठीक हो गया, इमरान खान घटिया है, इमरान खान पार्टी बाज है ठीक है। तो उसने ट्रेडिशनल सोशल एटीट्यूड की बुनियाद पे लोगों को अपीस करना शुरू कर दिया ठीक है, वैल्यूज कल्चर नॉर्म्स मर्द की डोमिनेंस। फिर इसने दूसरा काम क्या किया? वो भी मियां साहब वाला काम है, इसने मजहब कार्ड अपनी फेवर में किया। साइमा ये क्या करता था? ये पोप्स को, चर्चिस को ठीक है पैसा दिया करता था। तुझे शायद इस बात का पता हो कि वेटिकन सिटी के पास पहले सॉवरेनिटी नहीं थी, 1929 में
का पोप के साथ मुआहदा हुआ था जिसकी बुनियाद पे 100 एकड़ जमीन उसने इंडिपेंडेंट कर दी। और वेटिकन सिटी को एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट बना दिया। ठीक है, तो होता क्या था कि ये हर टाइम अपनी जेब में ना अनीजा, ठीक है, मौलवी रखता था, तो जैसे ये अवाम इसके खिलाफ खड़ी होती थी, ठीक है, तो अचानक मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है, मौलाना सराजुल हक साहब मैदान में कूद पड़ते थे कि मियां साहब अमीरुल मोमिनीन है, मियां साहब इस्लाम के दाई हैं, मियां साहब ही तो मजहब के पैरोकार हैं, इमरान खान यहूदी एजेंट है। तो जब भी इनके खिलाफ कोई कंपेन शुरू होती थी तो ये मजहब कार्ड खेलना शुरू कर देता था और चर्च को अपनी फेवर में एस्टेब्लिश करना शुरू कर देता था। ठीक है, तो ट्रेडिशनल एटीट्यूड मजहब कार्ड की बुनियाद पे उसने पॉपुलिस्ट रिजीम को अपने कंट्रोल में रखा और जो कोई धीमी धीमी आवाज राफिया बेटा उठती थी उसे अपनी ओबरा के जरिए पिच करना शुरू कर देता था। बला का करप्ट, बला का जालिम, बला का फासिस्ट आदमी था, लेकिन राफिया जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता इसने क्या किया निजा, इसने आहिस्ता आहिस्ता मेरा प्यारा बेटा अपनी रिजीम को एस्टेब्लिश करना जब शुरू किया, इसके पर पुर्जे खुले, ठीक है, तो हुआ ये कि अवाम ने इसके खिलाफ खड़े होना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, अब जब अवाम ने इसके खिलाफ खड़े होना शुरू किया तो इसे कोई ना कोई डायवर्जनरी टैक्टिक्स चाहिए हुआ ना, चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, ठीक है, तो इसने वो डायवर्जन अडॉप्ट की कि हम यूके और फ्रांस से, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन में जो उन्होंने हमें धोखा दिया था उस तजलील का बदला लेंगे, उस तजलील का बदला लेंगे। तो इसने आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीका की तरफ चढ़ाई करना शुरू कर दी। ठीक है, अफ्रीका के में अंदर मेजॉरिटी तासीर यूके और फ्रांस की कॉलोनीज थी, अफ्रीका के अंदर मेजॉरिटी यूके और फ्रांस की साइमा बेटा कॉलोनीज थी। ठीक है, तो अफ्रीका के ऊपर हमला करने का क्या मतलब है तासीर, मोटा सा मतलब है ना कि यूके और फ्रांस के ऊपर हमला करना, तो यूके और फ्रांस पे हमला करने का क्या मतलब है, हिटलर को खुश करना। तो जैसे ही इसने अपने पर पुर्जे फैलाए और इसने, ठीक है, साउथ के अंदर अफ्रीका में यूके और फ्रांस की कॉलोनीज को टारगेट किया गया तो हिटलर और इसके दरमियान एग्रीमेंट हुआ रोम बर्लिन एक्सिस। हिटलर बेटा अभी अभी पैदा हुआ है साइमा, ठीक हो गया, रोम बर्लिन एक्सिस। रोम बर्लिन एक्सिस के अंदर हिटलर ने मसलूनी को एक ब्लैंक चेक दिया, उसने कहा कि अफ्रीका को तू संभाल, यूरोप को मैं संभालता हूं, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, जानी डरना नहीं है, ठीक के रख अफ्रीका के अंदर काम, मैं तेरे खिलाफ यूके और फ्रांस आए मैं तेरे साथ हूं। तो मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, लीबिया पे इसने अटैक किया, सोमालिया पे इसने अटैक किया, इथियोपिया पे इसने अटैक किया, ठीक है, स्पेनिश सिविल वॉर में इसने नेशनलिस्ट को सपोर्ट किया, अल्बानिया को सीज किया, ठीक है, अबिसिनिया पे हमला किया, यानी इटली को पूरे के पूरे मेडिटेरियन रेड सी रीजन के अंदर इसने वॉर फोर्स डिप्लॉय करना शुरू कर दी। और ऑटोमेटिकली इसके और हिटलर के इंटरेस्ट आपस में कन्वर्ज होना शुरू हो गए और ये इंटरेस्ट ही ऑटोमेटिकली, ये मिलिट्री एक्सपेंशनिस्ट डॉक्ट्रिन ही ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वॉर टू की वजह बनी। आई होप सो मेरे बच्चों को यहां तक कहानी समझ आ गई, अगर कहानी समझ आ गई तो मुझे ओके कॉल दो। राफिया पुत्र, मैंने आज 3 टॉपिक्स पढ़ा। राफिया, मैंने तुझे हिस्ट्री को कैसे डील करना है वो बताया, फिर मैंने तुझे पूरी रशियन रेवोल्यूशन बताई, मैंने ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बताया, मैंने फासिज्म इन इटली बताया। डन हो गया मेरा बच्चा? ठीक है राफिया बेटा, अगली क्लास में हम यहां से शुरू करेंगे। राफिया मुझे टाइम बता दो।
अच्छा अनीजा मेरी बात, मेरा बच्चा एक गौर कर, अनीजा मेरी बात गौर कर, देख हिस्ट्री के टॉपिक में ना मेरा सोना बच्चा एक गुंजल होता है। और वो गुंजल क्या होता है कि जो कंसेप्चुअल टॉपिक होता है ना वो तुम अगर लेट भी कर लोगे ना तो तुम्हें फायदा है, लेकिन हिस्ट्री का टॉपिक तुम जितना लेट करोगे ना तो क्लास में जो कुछ पढ़ा वो जायल हो जाएगा, तुम्हें स्क्रैप से मेहनत करनी पड़ेगी। तो निजा एक कप कॉफी पी, एक कप कॉफी पी, बुक उठा और फौरन इसे अभी तैयार कर, अभी फौरन तैयार कर लिए ना तो दोबारा हिस्ट्री कभी रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी। तो प्लीज इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना, ठीक है, अभी कॉफी पियो और अभी रात 12 बजे से पहले पहले ये टॉपिक करके सो, ठीक है, फिर कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर 1-2 दिन लगा देगी तो जितना 3 घंटे में हमने जान मारी है वो सारा जायज हो जाएगा, ठीक है, अभी करो इसे, हिस्ट्री को बैठ के। शाबाश, ओके, अल्लाह हाफिज।